वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, रंजन जी बोल रहे हैं, यस, ओके ग्रेट। थैंक यू रंजन जी। सो फ्रेंड्स, एज वी डिस्कस्ड कि आज हमारा जो वेबिनार होगा वो होगा सेल्स प्रोसेस के बारे में। सो एक बार हम 30 सेकंड्स का वेट करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से कनेक्ट कर सके, एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन टुडे। या वैभव जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अंकित, अमर, निलेश, गुड इवनिंग। सो विल स्टार्ट द सेशन वेरी सून। या प्रबोध जी, हाय। सो फ्रेंड्स, आर यू एक्साइटेड टुडे? क्योंकि आज आपका लास्ट वेबिनार होने वाला है, मतलब कि जो हमारा सीरीज है जिसके अंदर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और मोटर इंश्योरेंस के बारे में, साथ में पोर्टल इंश्योरेंस के बारे में, सो पोर्टल के बारे में हम सब बताते हैं, राइट? सो आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे कि आज हमारा लास्ट वेबिनार है जिसके अंदर हम सीखेंगे सेल्स प्रोसेस के बारे में। एंड आज के वेबिनार के बाद आपको या ज़्यादातर लोगों को ये पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से अपना मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, लोगों से बात करना शुरू कर सकते हैं, इवन सेल्स करना शुरू कर सकते हैं, राइट? सो अतुल जी बोल रहे हैं क्वालिटी टाइम विद मैन, ओके, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। रंजन जी वेरी एक्साइटेड, यस आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टुडे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, सो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि एज हम हमारा जो शेड्यूल रहता है, तो मैं आपको एक बार कंप्लीट वेबिनार दे दूं, उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, सो हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वेबिनार। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेवन स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस क्या होते हैं। मतलब कि देखिए, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, देखो आज की डेट में अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन है जो कि इस इंडिया के, जो भी कोई इस अर्थ के ऊपर है, ठीक है, और वो कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब यह प्रोडक्ट हो सकता है या सर्विसेज हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, अब छोटी सी एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सेल करता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हो गई। सो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अपेरल, ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर सेल करता है। सो फ्रेंड्स, क्या मुझे बताइए, क्या उसको सेल्स प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आती होगी? आती होगी। सो सेल्स प्रोसेस का मतलब ये है कि आपको सेल्स करना सीखना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, एक फनल होता है, इसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है। अगर आप वो सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप किसी मोबाइल शॉप के ऊपर जाते हो, ठीक है, एज अ कस्टमर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो और सामने वाले पर्सन को आप ऑब्जेक्शन देते हो, ठीक है, आपने बोला कि भाई मेरे को सैमसंग का फोन देखना है या कोई 15,000 तक का, 20,000 तक का बजट का फोन देखना है, तो सामने वाला जो सेल्स पर्सन होगा वो आपको आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चीजें बताएगा, ठीक है। सो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है इसको समझते हैं। जब आप किसी शॉप के ऊपर एंटर करते हैं तो उसके बाद आपसे वो पूछता है कि यस सर, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बताइए किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो यस, आप बोलते हैं कि हाँ मेरे को एक फोन देखना है, फोन परचेज करना है, ठीक है। सो वो कहते हैं ठीक है सर, कोई इशू नहीं, आप इस काउंटर पे आ जाइए। तो आप उस काउंटर के ऊपर चले जाते हैं। काउंटर के ऊपर जाने के बाद वो कहते हैं सर आप कौन सी कंपनी का देखना चाहते हैं, या फिर स्पेसिफिकली आप कौन सा देखना चाहते हैं, या आपका बजट क्या है, ठीक है। सो इसका मतलब है वो आपसे आपकी रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। देखो यहाँ पर चीजों को समझना जरूरी है। अब यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो और उसके हिसाब से वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि सर देखिए आपके बजट के हिसाब से या आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर ये वाला फोन जो है ये बेस्ट
आपके लिए सूट करता है, ठीक है। उसके बाद आपने फोन देखा, उसके बाद आपने जो भी उन्होंने फोन प्रेजेंट किया, आपने फोन देखा, और फोन देखने के बाद आपको क्या लगता है कि यार इसका तो कैमरा अच्छा नहीं है, ठीक है, या आपको लगता है यार इसकी तो टच अच्छी नहीं है, या आपको लगता है यार इसकी बैटरी बैकअप तो बहुत कम है, इसका जो बैटरी का एमएएच पावर है वो कम है, ठीक है। सो कहने का मतलब है उसको एक ऑब्जेक्शन आप पुट कर रहे हो, उसको एक ऑब्जेक्शन बोल रहे हो कि सर आपने जो फोन देखा है बहुत अच्छा है, मेरे बजट में भी है, सब चीज है, बट आप जो मेरे को बोल रहे हो तो इसका मेरे को कैमरा इतना ज्यादा बेटर नहीं लगा, ठीक है, इसकी क्वालिटी मेरे को कैमरे की ज्यादा अच्छी नहीं लगी, तो आपने उसको एक ऑब्जेक्शन रख दिया, ठीक है। तो सामने वाला उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर रहा है, वही एक सेल्स पर्सन की टेक्निक होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप बोलते हो इस तरीके की चीज, या आपने कहीं ना कहीं अगर कोई चीज परचेज करी होगी मोबाइल के फॉर्म में, तो आपने कोई ऑब्जेक्शन रखा होगा, तो सेल्समैन आपको क्या बोलता है कि सर देखिए कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ सर इसका जो कैमरा है ना बहुत बेस्ट क्वालिटी का है, चलिए मैं आपको एक फोटो खींच के दिखाता हूँ, सर मेरे पास एक डमी पीस आया हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो वो आपको डमी पीस के अंदर अपना कैमरा ओपन करके एक फोटो क्लिक करके दिखाता है कि सर देखिए मैं आपकी फोटो खींच रहा हूँ, तो सर देखिए कितनी क्वालिटी है, इसको जूम करके दिखाएगा, उसको छोटा करके दिखाएगा। सो कहने का मतलब है आपका जो ऑब्जेक्शन था उस ऑब्जेक्शन को वो आंसर करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप उससे कन्विंस हो जाते हो सकता है उसका प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स यही एक सेल्स प्रोसेस होता है, आप किसी भी फील्ड में किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा मान लीजिए आप किसी बच्चे की शॉप पर गए जहां पर वो साइकिल सेल कर रहा है, ठीक है। अब आप किसी साइकिल को परचेज करने जाते हो किसी शॉप के ऊपर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आप कहते हो कि नहीं ये वाला मॉडल चाहिए, ये कलर अच्छा नहीं है, ये छोटी साइज है, मेरे बच्चे के ऊपर सूट नहीं करेगा, है ना। तो आप क्या बोलते हो कि यार ये चीज की रिक्वायरमेंट है मेरी और इस तरीके से मुझे चाहिए, ठीक है। सामने वाले ने आपको दो या तीन या चार आपको सामने सैंपल्स रख दिए, ठीक है। अब आप कहते हो कि ठीक है आपका बजट, फिर बात आती है बजट के ऊपर कि यार ये मेरे बजट से बाहर है, ये मेरे बजट के अंदर आ जाएगी, इसका डिजाइन अच्छा है, ये मेरे बच्चे के ऊपर सूट करेगा, इसमें मेरे बच्चे के पैर यहाँ पर जमीन तक आ जाएंगे। सो कहने का मतलब है हम कोई भी चीज जब परचेज करते हैं तो सारे के सारे सेल्स प्रोसेस के अंदर, मतलब सभी के अंदर आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कोई भी अगर सेल्स पर्सन होगा अगर वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेगा तो उसकी सेल कभी नहीं होने वाली। इवन आप भी अगर किसी चीज के अंदर ऑलरेडी सेल करते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, मैं नहीं बोलूंगा, चाहे आप रियल एस्टेट में हैं, चाहे आप इंश्योरेंस में ऑलरेडी थे, या फिर आप किसी और इंडस्ट्री में हैं, ठीक है, इवन आप अगर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी काम करते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं, आप मान लीजिए कोई अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो भी आपको ऑब्जेक्शन आते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपने सेल्स प्रोसेस सीख लिया तो आप हर इंडस्ट्री के अंदर ये सेल्स प्रोसेस काम करने वाला है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें स्टेप्स को फॉलो करना होता है जिससे कि हम अपने फाइनल क्लोजर तक पहुंच जाएं। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इन स्टेप्स के बारे में जानना, जो कि होता है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग, राइट। सो सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं, जब भी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी सेल्स के बारे में, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमने सीख लिया, हमने जान लिया, अब मेरे को सेल करना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स ये स्टेप्स फॉलो करो, और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एक्चुअल सारी चीजें यहाँ पर पता लग जाएंगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पर अपनी सेल्स को जनरेट करना है, राइट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिंग से। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपको आपके पास कस्टमर होना चाहिए जिसको आप अपना प्रोडक्ट समझा पाए। एग्जांपल के लिए अब क्या मोबाइल शॉपकीपर जो है, जो मोबाइल सेल कर रहा है, वो किसी चलते हुए रोड पर अगर कोई पर्सन जा रहा है और आ रहा है, क्या उसको फोन दिखाएगा तो बिकेगा क्या? नहीं दिखेगा। उसके पास अगर कोई कस्टमर चल के आ रहा है तो ही उसका प्रोडक्ट सेल करेगा, तभी उसको प्रेजेंटेशन दे पाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग, मतलब कि आपके पास अगर कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट आ रहा है, जिसको हम लीड भी बोल सकते हैं, सो अगर आपके पास कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट आ रहा है या उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन रन किया, हो सकता है आपने व्हाट्सएप पे या फिर अपने फेसबुक पे लोगों को, अपने मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू लोगों को बताया कि भाई मैं इंश्योरेंस करता हूँ, ठीक है। अब वहां से आपके पास दो तीन चार तरीके की लीड्स आ गई। अब जब वो लीड्स आपके पास आ गई हैं, तो क्या अब वो आपकी लीड एक प्रोस्पेक्ट बन गया, ठीक है। अब उस प्रोस्पेक्ट को आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है अप्रोच करना, ठीक है। अप्रोच करना है मतलब कि लोगों को समझाना है, लोगों को बताना है कि यार कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट करें, ठीक है। अब सामने वाला पर्सन कहता है कि भाई मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है। सामने वाला पर्सन कहता है कि भाई मेरे को मेल से कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप होता है हमें उसको अप्रोच करना।
थर्ड स्टेप होता है हमारा ओपन द कॉल, मतलब कि हम जब सामने वाले से बात करना शुरू करते हैं तो हमें किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो मेरा नोन टू है जिसको मैं पहले से जानता हूँ तो उसको हम किस तरीके से बात करेंगे, अगर मान लीजिए मैं उसको पहली बार मिला हूँ, ठीक है, तो हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है ओपन द कॉल, ठीक है। सो इसके बाद हम बात करेंगे, जब हमने बात करनी शुरू कर दी, चीजें बतानी शुरू कर दी, उसके बाद प्रेजेंटेशन करके अपना फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है, फैक्ट फाइंडिंग करनी है, उसको एक्चुअल में जरूरत क्या है उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, एंड देन एनालाइज करना है। आपको ये देखना है कि यार सामने वाले ने जो प्रोडक्ट मांगा, अब मान लीजिए आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, आप कहते हो मेरा 12,000 का बजट है, आप कहते हो मेरे को सैमसंग का फोन नहीं चाहिए, ओप्पो और ये चलेगा, मतलब कोई और ब्रांड आपने बोला वो चल जाएगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है सेल्स पर्सन का काम क्या होता है, उसको समझना, सामने वाले पर्सन को अपने प्रोस्पेक्ट की बातों को समझना और उसको उस हिसाब से एनालाइज करके एक सॉल्यूशन रिकमेंड करना, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आता है रिकमेंडेशन सॉल्यूशन, मतलब कि आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जिससे कि आप उसको बेस्ट डील या बेस्ट प्रोडक्ट दे पाए, ठीक है। फाइनली यहाँ पर आता है क्लोजर, मतलब कि या तो हो सकता है यहाँ पर एक आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन क्रिएट हो जाए, ठीक है। आपने सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन बताने के बाद यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन क्रिएट हो सकता है, राइट। या फिर दूसरा काम हो सकता है कि आपके कुछ लीड्स जो हैं वो इमीडिएट बेसिस पर क्लोज ना हो, तो हो सकता है फॉलोअप में बन जाए। तो कस्टमर को आपने प्रेजेंटेशन दिया, समझाया, सॉल्यूशन बताया और उसके बाद वो आपको बोलेगा कि नहीं मेरे को अभी प्रोडक्ट नहीं लेना, मैं एक महीने के बाद लूंगा जब मेरी सैलरी आएगी, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्शन हो गया, ये एक आपका फॉलोअप हो गया, ठीक है। तो सामने वाले को आपने बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं आपको कॉल कब करूं, ठीक है। बट हमें किस तरीके से अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ती है जिससे कि सामने वाला इमीडिएट डिसीजन लेने पे एक मतलब इंटरेस्ट शो करे यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम अपने आज के ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। अभी तो जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि क्या क्या प्रोसेस में जो 7 स्टेप्स होते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है, राइट। इसके बाद फाइनली जब क्लोजर आ जाता है तो हम यहाँ पर कस्टमर से रेफरेंसेस लेना भी शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें आप यहाँ पर सेल्स कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की, राइट। अगर हम इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैंने आपको यहाँ पर 7 स्टेप्स बताए, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, ओपन द कॉल, प्रेजेंटेशन, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजर, सो ये पूरा प्रोसेस है। बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दूं, मतलब कि आपको एकदम से समझ आना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास लीड्स होनी चाहिए, मतलब कि कोई पर्सन होना चाहिए, कोई क्लाइंट होना चाहिए। उसको आप अगर प्रेजेंटेशन या मीटिंग करते हो उसके साथ, तो आपका सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पर आप उसको समझा रहे हो, उसको प्लान प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे रहे हो, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, ठीक है। फाइनली यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 लिखा हुआ है गलती से, ये पॉइंट नंबर 3 है। तो यहाँ पर हो सकता है उसका सामने वाले का कोई ऑब्जेक्शन है या फिर उसका फाइनल क्लोजर आ जाए। या तो बोले कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मैं अगले महीने लूंगा, या वो बोले ठीक है नहीं मेरे को आप पेमेंट लिंक भेज दो, मेरे को पेमेंट करना है, मेरे को ये प्लान परचेज करना है, ठीक है। सो अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें, सो 3 प्रोसेस है यहाँ पर, 3 स्टेप्स है यहाँ पर। पहला है लीड्स, मतलब कि आपके पास क्लाइंट होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। दूसरी चीज, आप उसको प्रेजेंटेशन या मीटिंग या उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, ठीक है। जैसे ही वो इंटरेस्ट शो करता है, हो सकता है उसका कोई ऑब्जेक्शन आए या हो सकता है वो डायरेक्टली आपको पेमेंट लिंक के लिए बोले। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, जिससे कि आप यहाँ पर अपनी सेल जनरेट करना शुरू कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में प्रोस्पेक्टिंग से, राइट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब कि मैं क्लाइंट कहाँ से लाऊं, किससे बात करूं, कैसे बात करूं, कैसे हम यहाँ पर अपनी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। सो फाइनली आप शुरू करते हैं हम अपना प्रोस्पेक्टिंग से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने पॉइंट्स आप याद कर सकते हो, पॉइंट्स याद रख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट राइटिंग योर प्रोस्पेक्ट नेम फ्रॉम योर मोबाइल फोन, मतलब कि अपने फोन कॉन्टेक्ट से लेकर अपने मोबाइल फोन में जितने भी लोगों के नाम और नंबर है, आप एक पेपर पेन पे या एक्सेल फॉर्मेट में अपने लोगों के नाम लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप अगर फॉलो करोगे फॉर श्योर आपकी सेल्स आएंगी ही आएंगी। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है अगर आपने स्टेप्स फॉलो करे और उसके बाद आपने चीजों पे काम किया आपको रिजल्ट नहीं आया। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, मैं अपना काम छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रूल है, ये सेल्स का पूरा प्रोसेस जो है एक सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है। अगर आप काम करोगे, एफर्ट्स करोगे, तो पक्का आपको रिजल्ट आने वाले।
ठीक है। सो फ्रेंड्स आपको इसको ध्यान से समझना, आज का जो वेबिनार है आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर आपका भरपूर ज्ञान है रिलेटेड टू सेल्स प्रोसेस, मतलब कि सेल्स कैसे आएंगी वो सारा कुछ मैं आज आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके फोन में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप या तो अपने पास पेपर पेन पे डायरी के ऊपर नोट कर लीजिए, लोगों का नाम उनका नंबर, ठीक है। उसके बाद या फिर दूसरा तरीका हो सकता है, आप इन सारे नंबर्स को यहां से नोट करने की बजाय एक्सेल फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर टू है, आप अपने डाटा को फोन के जो कॉन्टेक्ट है उसको एक्सेल फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि सारे के सारे डाटा यहाँ पर अपने फोन में, फोन का जो डाटा है वो एक्सेल में लेके आ सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स आपको इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार बता चुका हूँ, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो एक से दो दिन के अंदर आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि आपके फोन के जो डाटा है, आपके फोन के जो नंबर्स हैं वो किस तरीके से आप अपने एक्सेल फॉर्मेट के अंदर लेकर आ सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, सेगमेंट योर प्रोस्पेक्ट लीड्स, मतलब कि जो आपके पास प्रोस्पेक्ट्स हैं उन लीड्स को आपने कोल्ड वार्म एंड हॉट के ऊपर यहाँ पर आपको सेगमेंट करना है। मान लीजिए आपने 10 लोगों के नंबर लिखे एग्जाम्पल के लिए, उन 10 लोगों में हो सकता है एक पर्सन से आपको लगता है कि यार इसके पास कार है, इसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो आप उसको कोल्ड हॉट और वार्म में सेगमेंट करेंगे। कैसे करना है आपको डायरेक्टली नहीं लिखना अपनी तरफ से, जैसे जैसे आपकी लोगों से बात होती रहेगी उसके बाद आपको अपना डाटा जो है अपने प्रोस्पेक्ट्स की लीड जो है वो यहाँ पर सेगमेंट करनी है, ठीक है, जब आपकी बात होती रहेगी, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 1000 लोगों का नंबर या फिर 100 लोगों का नंबर अपने पास लिखा है, ठीक है, सो आपको 100 लोगों को ये नहीं पता कि वो कोल्ड लीड है, वार्म लीड है या हॉट लीड है, ठीक है। सो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चीजों को सेगमेंट करने के लिए लोगों से बात करनी है। अब कैसे बात करनी है वो भी हम बात करेंगे आज। पॉइंट नंबर फोन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, व्हेन एनीवन गेट मोर रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जब हम यहाँ पर पॉइंट बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग की, अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि अगर किसी पर्सन की शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, या फिर वो पेरेंटहुड में चला जाता है, मतलब कि जो कोई पर्सन है जो मैरिड है, ठीक है, वो फादर बन जाता है या वो मदर बन जाते हैं, ठीक है। सो उस केस में एक फैमिली जो है मोर रिस्पॉन्सिबल में आ जाती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद वो एक डिसीजन ले सकती है कि हाँ यार मेरे को अब अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर आप जब भी किसी फैमिली को ऐसा देखें जिसके घर में किसी की मैरिज हुई है या किसी को पेरेंटहुड में कन्वर्ट हो गया है, तो उसमें आप देखेंगे कि वहां पर आपके सेल होने की चांसेस ज्यादा आ जाती है अगर हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, राइट। तो आपको ऐसे लोगों का डाटा एक अलग से रखना है, और मैं बोलूंगा इसको आप हॉट कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि ऐसे जो क्लाइंट होते हैं वो ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एकदम से, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम उनको ऐसा फील होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं मेरे को अब अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए करना है, राइट। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, यहाँ पर अगर आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग होम है, कोई मेडिकल स्टोर है या फिर कोई टेस्टिंग लैब्स है, ठीक है। सो अगर मान लीजिए हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी आपके घर के आसपास यहाँ पर सेगमेंट है, यहाँ पर आप हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, मेडिकल स्टोर में जाकर विजिट कीजिए, लोगों से बात कीजिए, उनके साथ अपना एक बिजनेस रिलेशन बिल्ड कीजिए, मतलब कि आप उनको बोलिए कि सर देखिए मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, तो मेरा काम क्या है, लोगों को एडवाइस करना रिलेटेड टू द इंश्योरेंस, तो अगर मान लीजिए किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसको एक बेस्ट प्लान सजेस्ट करते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप मेरे को एक परमिशन दें अपने हॉस्पिटल में कैनोपी लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हॉस्पिटल में ब्रांडिंग के लिए बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई जितने भी हॉस्पिटल का डाटा है आपके साथ शेयर करें और वहां से जो भी कन्वर्जन आए तो आप वहां पर शेयरिंग मॉडल पे हॉस्पिटल के साथ काम कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम कोई एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज के बारे में बताएं, तो वहां पर आप एक काउंटर लगा सकते हो या अवेयरनेस कर सकते हो, तो आप वहां पर हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में अपने पैम्पलेट या कुछ विजिटिंग कार्ड्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए काउंटर पे रिसेप्शन पे छुड़वा सकते हो, ठीक है। ये होगा विद परमिशन, अगर आप परमिशन लेके करोगे तो आपको चैलेंज नहीं आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आप अगर ये काम करते हो तो देखोगे आपके पास वहां से मैक्सिमम लीड्स आने के चांस हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी पर्सन है, मतलब आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या मेडिकल स्टोर या कोई मान लीजिए
टेस्टिंग लैब्स है, ठीक है। सो वहां पर आप जाइए, उनसे बात कीजिए और बात करने के बाद एक रिलेशन भी बिल्ड कर लीजिए, और उसके बाद एक बिजनेस पार्टनरशिप वाली बात करके आप उनसे एक विजिटिंग कार्ड वाला कंसेप्ट ये है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई मेडिकल स्टोर है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई भी मेडिकल स्टोर वाला पर्सन जो होता है वो क्या करता है, जब भी कोई किसी को पर्सन मेडिसिन देता है, दवाइयां देता है, तो एक एनवलप के अंदर डाल के देता है, एक कागज के एनवलप के अंदर वो पेपर को, वो सॉरी दवाइयों को डाल के देता है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, देखो वो कॉस्ट क्या करता है, उसकी जो एनवलप होता है उसकी कॉस्ट नॉर्मली मेरे हिसाब से आई थिंक 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे के आसपास पड़ती होगी, बट आई डोंट नो कि कितनी पड़ती है। आप क्या कर सकते हो, वहां पर एक मेडिकल स्टोर को 100, 200, 300, 400 मतलब जितना आपका बजट है उतने आप, मान लीजिए आपने 5,000, 2,000 आपने एनवलप प्रिंट करा लिए, ठीक है, अपने नाम से, अपनी ब्रांडिंग से, अपना मोबाइल नंबर देके आपने जो एनवलप है वो प्रिंट करा लिए, ठीक है। अब होगा क्या, आप मान लीजिए 3-4 मेडिकल स्टोर पे गए, उनको बोला कि सर देखिए मेरा एनवलप है, ठीक है, आप अगर जो भी मेडिसिन वगैरह अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को देते हो तो आप इस एनवलप में डाल के दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, अब उस एनवलप के ऊपर अगर मान लीजिए अपनी ब्रांडिंग करी है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे दी, हल्की सी 3-4 पॉइंट्स दे दिए कि आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हो, 500 रुपये पर मंथ का आपको प्लान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पूरी फैमिली आपकी कवर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से आपने मार्केटिंग करी उस पर्टिकुलर एनवलप के ऊपर, और अब आपने वो मेडिकल स्टोर पे जाके उनको फ्री में दे दिए, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब कोई भी पर्सन मेडिसिन दवाइयां लेने आएगा तो वो उस एनवलप के अंदर दवाइयों को डाल के कस्टमर को देगा, जिससे कि अब आपका एनवलप हर घर में जाना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपके घर के एरिया के आसपास जितने भी लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी मेडिकल स्टोर पे जाके दवाइयां लेते होंगे, ठीक है। सो वो एनवलप आपके यहाँ पर किसी ना किसी एरिया, मतलब आपके घर के आसपास लोगों के घर में जाना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। सो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ना, ये कंसेप्ट सर आप, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट अगर आपने अप्लाई किया ना, आपको बहुत ज्यादा लीड्स, बहुत ज्यादा क्वेरीज आ सकती हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी लग सकती है, 200, 500, 1,000, 2,000 रुपए की, बट इससे आपको रिजल्ट फॉर श्योर मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में, सेंड देम गिफ्ट ग्रीटिंग्स योर न्यू बॉर्न बेबी। मान लीजिए आपने किसी हॉस्पिटल में गए, ठीक है, जहाँ पर बेबी की डिलीवरी होती है, ठीक है, आपने किसी डॉक्टर से टाई अप किया जहाँ पर जो लोग बेबी की डिलीवरी करते हैं, जो डिलीवरी का प्रोफेशन के अंदर है, तो उनसे आप टाई अप कर सकते हो कि भाई आपके हॉस्पिटल में जितने भी यहाँ पर बेबी बॉर्न होते हैं तो आप उनको यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास इन्फॉर्मेशन आए तो चाहे तो आप उनके हॉस्पिटल में जाके, चाहे तो उनके घर में जाके, क्योंकि आपको अगर हॉस्पिटल से एक रिलेशन बिल्ड हो गया, हॉस्पिटल आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उनके घर पे जाके या फिर हॉस्पिटल में जाके आप उनको गिफ्ट या कोई भी ग्रीटिंग्स वगैरह, अपना ग्रीटिंग्स वगैरह और अपना विजिटिंग कार्ड या फिर अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के उनको दे सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कर सकते हो। सो जिससे क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी की फैमिली में आपको कोई न्यू बॉर्न बेबी आएगा और आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो या ग्रीटिंग दे रहे हो, तो क्या आपको वो कभी भी मतलब भूलेगा या नहीं भूलेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपको हमेशा एक दूसरी नजर से देखेगा कि यार हाँ मेरे लिए भी या मेरी फैमिली के लिए भी कोई पर्सन है जो मेरे को सोच रहा है, मेरे लिए सोच रहा है, राइट। तो आप इस वाले कंसेप्ट के ऊपर भी काम कर सकते हो जो कि यहाँ पर ग्रीटिंग्स वाला कंसेप्ट है, अगर आप किसी को इस तरीके से टाइप करते हो तो यहाँ पर आपको रिजल्ट आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं, सर्च लीड्स थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक अपना जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैंने आपको ये चारों तरीके की वीडियोस आपको प्रोवाइड करी थी कि आप फेसबुक से कैसे मार्केटिंग कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कैसे कर सकते हो, इवन यूट्यूब से पीपीटी बना के रिकॉर्डिंग करके आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, एंड लिंक्डइन से कैसे लोगों से कनेक्शन बना के आप यहाँ पर लोगों से लीड जनरेट करना सीख सकते हो, राइट। सो ये कंप्लीट हो चुका था, ये हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 के अंदर बल्क मैसेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग इज गुड, मतलब कि आपने देखा होगा आपके फोन में पूरे दिन में कितने लोन वाले लोगों के नंबर आते हैं, कितने लोन वाले लोगों की क्वेरीज आती हैं, ठीक है, कि आप लोन ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए। तो क्या मुझे बताओ, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं क्या वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो पर्सन रेगुलर मार्केटिंग कर रहा है तो उसको पक्का कहीं ना कहीं से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो जो लोग आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल कर रहे हैं और आप फोन उठा के उसको तुरंत मना कर देते हो, तो उसको पता है कि अगर मैं 10 लोगों को या 15-20 लोगों को कॉल करूंगा तो मेरा 1 या 2% ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड हो जाएंगे। मतलब
आपको यहाँ पर रेगुलरली काम करते हो तो आपको रिजल्ट आता ही आता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप मान लीजिए बल्क मैसेजिंग यहाँ पर परचेज करते हैं, जो कि आपको बल्क मैसेज प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप बल्क मैसेज परचेज करके उस पर मार्केटिंग कराते हो डेली बेसिस पे, मान लीजिए आपने एक अपना एक रूल फॉलो कर लिया, ठीक है, आपने कहा यार मेरे को पूरे महीने का 5,000 का बजट पे मैं मार्केटिंग करूंगा, बल्क मैसेज कराऊंगा, ठीक है, या फिर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए 6,000 का ले लेता हूँ, ठीक है। सो आपने, या 3,000 का लेता हूँ, वो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा, आपने एक बजट बनाया कि मैं पूरे महीने में 3,000 के बजट में मार्केटिंग कराऊंगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक मैसेज 10 पैसे के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो आपने उसको बोला कि भाई 100 रुपए की मार्केटिंग हम डेली करेंगे, मतलब कि 1,000 लोगों को डेली मैसेज जाना चाहिए मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1,000 मैसेज का एक आपने शेड्यूल बना दिया कि आज भी मैसेज गया, कल भी मैसेज गया, परसों भी। अगर आप सोच के चलिए आपने 1,000 लोगों को मैसेज आज एक दिन में किया, ठीक है, जो कि अननोन है, आप नहीं जानते उसको, बट आपका जो डाटा प्रोवाइडर है जो बल्क मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो एक अच्छे डाटा के ऊपर, जिसके ऊपर आप बोलोगे उसके ऊपर वो मैसेज सेंड कर देगा। और आप मुझे बताओ कि अगर आज मैं 1,000 मैसेज भेजता हूँ और अगले 30 दिन तक भेजता हूँ 30,000 मैसेज, तो क्या आपको वहां से 30 पॉलिसी आने के चांसेस नहीं है क्या? क्या आपको वहां से, मैं कहता हूँ चलो 30 छोड़ो, 15 पॉलिसी आने के चांसेस नहीं है, या 10 पॉलिसी आने के चांसेस नहीं है? बिल्कुल है। सो अगर आप कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, तो आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। सो फ्रेंड्स, ये ऐसे तरीके हैं, ये ऐसे मैं फंडामेंटल्स आपको बता रहा हूँ जो कि लोग फॉलो करके आज की डेट में हजारों लाखों करोड़ों रुपए तक कमा रहे हैं, ठीक है। आज जो लोग इंश्योरेंस के अंदर करोड़ों रुपए कमाते हैं ना, आज भी वो मार्केटिंग कर रहे हैं, आज भी वो अपनी मार्केटिंग को पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, मतलब कि उसके ऊपर बजट लगाते हैं। सो कहने का मतलब ये, आप लोग इनिशियल स्टेज पे हो तो मेरा काम है या मेरा इंटरेस्ट है कि आप लोग यहाँ पर सीखें, आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो, आपको पता लगे कि यार एक्चुअल में हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अगला हम पॉइंट बात करेंगे, गेट रेफरेंसेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स। मान लीजिए आज आपने किसी पर्सन को टू व्हीलर की इंश्योरेंस बेची, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि यार टू व्हीलर वाले कस्टमर के पास गाड़ी की पॉलिसी नहीं होगी, या गाड़ी नहीं होगी, या फिर उसको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, या फिर आप सोच के चलिए क्या उसको टर्म इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? सो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, हमने किसी भी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट सेल किया, चाहे हमने हेल्थ इंश्योरेंस सेल किया, चाहे हमने गाड़ी का इंश्योरेंस सेल किया, चाहे हमने टू व्हीलर का किया, तो टू व्हीलर वाले को हेल्थ की जरूरत हो सकती है, हेल्थ वाले को गाड़ी के इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है, गाड़ी के इंश्योरेंस वाले को टर्म इंश्योरेंस की जरूरत हो सकती है। सो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर एक तो क्रॉस सेल कर सकते हो, ठीक है, दूसरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट से आप रेफरेंसेज ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी की आज टू व्हीलर की इंश्योरेंस करी, ठीक है, और उसको पता है कि यार आप सभी कंपनीज का इंश्योरेंस करते हो, सभी कंपनीज के साथ आपका टाई अप है, तो हो सकता है वो अपने रिलेशन में अपने मामा जी का, अपने चाचा जी का, या अपने जिया जी का, किसी का भी आपको रेफरेंस दे दे कि यार मेरे को इनकी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है, तो मेरे जिया जी की गाड़ी का इंश्योरेंस आप कर दो, ठीक है। तो आप कस्टमर से, एग्जिस्टिंग क्लाइंट से अपने रेफरेंसेस लेना सीखो, ठीक है, उनको बोलो कि सर देखो मैं सभी कंपनीज के अंदर डील करता हूँ, तो अगर आपकी नॉलेज में कोई और पर्सन हो तो आप मुझे उनसे कॉन्टेक्ट करा दीजिएगा, तो सर आपका ये मतलब आप मेरे को रेफर कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बोल के आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट से रेफरेंस ले सकते हो। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10 की, गेट फ्यू नंबर्स फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आज मैं अगर बोलता हूँ, आप अपने जिया जी के पास जाते हो या अपने चाचा जी के पास जाते हो और बोलते हो कि चाचा जी जितने भी आप लोग आप अपने सर्कल में जितने भी लोगों को जानते हो उसमें से मुझे जस्ट 5-6 लोगों का नंबर दे दीजिए, ठीक है, मैं आपके रेफरेंस से कॉल करूंगा, आपके रेफरेंस से बात करूंगा, और मैं बोलूंगा कि सर मेरा इंश्योरेंस का काम है, अगर आपको कोई भी जरूरत होती है तो मेरे को याद करिएगा, या मेरे से आप एक बार कोटेशन ले लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा, ठीक है। तो आप अगर किसी अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में अगर किसी को डायरेक्टली जाके ये चीज बोलते हो, तो क्या आपको लगता है कि कोई मना करेगा? अगर मना कर भी देगा तो क्या हो गया, मना कर दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, बट हो सकता है कि आपके चाचा जी ने या आपके मामा जी ने, आपके किसी रिलेटिव ने आपको सपोर्ट कर दिया और 10-15-20 लोगों के नंबर दे दिए, तो हो सकता है उसमें से आपके कन्वर्जन आ जाए, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं, लोगों के नंबर भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा फ्रेंड, चलो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा नहीं है, बट मैं आपको एक और बढ़िया तरीका बता देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आप जिस भी एरिया के अंदर रहते हैं, ठीक है, वहां पर आप अगर जिस भी एरिया में रहते हैं, तो क्या मुझे बताओ वहां पर बहुत सारे लोगों की शॉप्स नहीं होंगी, जैसे कि सैलून वाला हो सकता है शॉप, कोई किराने की शॉप हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब हलवाई की शॉप हो सकती है,
कोई अलग अलग बिजनेसेस जो लोग करते हैं, ठीक है, कोई टी स्टॉल हो सकता है, ठीक है, कोई हो सकता है सैलून वाला हो। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब है, जहां पर भी आप रहते हो उसके 2 किलोमीटर के अंदर आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस करते हैं, ठीक है। सो क्या अगर मान लो आप उनको डायरेक्टली जाके कॉन्टेक्ट करते हो, अगर आप डायरेक्टली उन लोगों का बोर्ड के ऊपर से, उनके शॉप के बाहर, उनके दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें उन लोगों का नाम और नंबर होता है, तो अगर मान लीजिए आप पूरे दिन क्या काम करते हो, अगर आपने उन लोगों का डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आपने उनको कॉल किया, उनको बोला कि सर मैं आपके एरिया में रहता हूँ, और आपने उनको कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। बट आपको अब क्या लग रहा होगा, आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा होगा कि सर मैं अगर किसी अननोन लोगों को कॉल करूंगा तो सर मेरे को वो गाली भी निकाल सकता है, वो मेरे को गलत भी बोल सकता है, मेरे को फोन भी काट सकता है। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपने उन लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है। फाइनली यहाँ पर मैं पहले पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक डेमो कॉल करके बताऊंगा किस तरीके से आपने उन लोगों को कॉल करना है, या फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा अप्रोच, उसके अंदर हम बात करेंगे कि हम लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिससे कि वो लोग हमारी बात सुने, हमें समझने की कोशिश करें, राइट। सो पॉइंट नंबर 11 है फ्रेंड्स, देखिए अभी क्या है, आप लोग एक इस इंडस्ट्री के अंदर फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, या मेरा आप यहाँ से आपके साथ क्या इन्वॉल्वमेंट है, कि आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। अगर मान लीजिए आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको 50,000 मिलेंगे, बट उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं उस जॉब के लिए नहीं जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल आपको यही लगने वाला है, ठीक है। बट अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से अगर काम करते हो और उस एक्सपीरियंस को गेन करते हो, और गेन करने के बाद आपको अगले महीने से 50,000 आ सकता है, तो क्या आप उसको काम करने के लिए रेडी हैं? अगर उस काम को आप करने के लिए रेडी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगले एक महीने तक क्या काम करना है। मैं बोलूंगा कि एक्सपीरियंस लेना है तो हो सकता है एक्सपीरियंस के टाइम पे आपको पैसा मिले या ना मिले। देखो कई बार हम किसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, ठीक है, एज एन ट्रेनी जाते हैं, बट कई बार हमें पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता, ठीक है, बट हम फिर भी काम करते हैं उस डेडिकेशन के साथ कि हाँ यार मुझे सीखना है, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि एज एन इंटर्न आप मेरे साथ काम करो, मेरे पास काम करो, और आपको अगले एक महीने तक आपको इस तरीके से एफर्ट्स करने हैं कि आपको रिजल्ट आए या ना आए, बट आपको रेगुलर काम करना है, तो क्या आप उसमें काम करने के लिए रेडी हैं मेरे साथ? अगर है तो मैं आपको 11 पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, मतलब कि आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, मतलब कि सौ लोगों की लिस्ट बनानी है, और उन 100 लोगों के साथ आपको इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन करना है, उनको एक्सप्लेन करना है इंश्योरेंस के बारे में, चाहे वो प्लान ले या प्लान ना ले, ठीक है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोई भी एक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में आपका ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, बट हेल्थ इंश्योरेंस में आज के डेट में लोगों को जरूरत भी है, और आप अगर लोगों से इस टॉपिक के ऊपर बात करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपका एक्सपीरियंस धीरे धीरे गेन होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो आपको क्या करना है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, और अगले 10 दिन तक, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज 6 तारीख है, आपने कल बैठ के पूरे दिन में बैठ के 1-2 घंटा टाइम निकाला, और 2 घंटे में आपने 100 लोगों की लिस्ट लिख ली, ठीक है, 100 लोगों के नाम लिख लिए या एक्सेल के अंदर आप लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कल 7 तारीख है, परसों 8 तारीख है, सो 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक विदाउट फेलियर, यार हम लोग खाना भी खाते हैं तो रेगुलर खाते हैं, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मेरे को अगले दिन वीक फील होगा, मतलब कि कमजोरी फील होगी, ठीक है। सो आपको भी एक रूल बनाना है कि अगर मैं आज ये वाला काम नहीं करूंगा तो मेरा दिन अच्छा ना जाए, मेरा दिन यहाँ पर इनकम्प्लीट फील हो मेरे को, ठीक है। सो कहने का मतलब है आपको 8 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इन 100 लोगों से बात करनी है, डेली 10 लोगों से बात करनी है, मतलब कि अगर आप डेली 10 लोगों से बात करोगे तो एक अगले 10 दिनों में आपके 100 लोगों से बात हो जाएगी। अब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, सभी लोगों के 100 नंबर्स में अपने रिलेटिव्स के सबके डिटेल यहाँ पर अपने पास लिख लिया, ठीक है। अब आपको बात करनी है, उनसे बात करने के लिए अप्रोच करना है, ठीक है। अप्रोच के अंदर किस तरीके से हम बात करेंगे, चलिए आप, मैं डेमो करके बता रहा हूँ, इस डेमो को ध्यान से समझिएगा। सो ये डेमो है बड़ा प्रैक्टिकल,
ठीक है, आपने मान लीजिए अपने मामा जी को बात करी या अपने चाचा जी को बात करी, वो आपके घर से मान लीजिए थोड़ा दूर रहते हैं, और आपने नॉर्मली उनसे फोन लगाया और आपने बात करनी शुरू करी, तो मैं आपके साथ एक डेमो कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा कि कैसे आप लोगों को इस तरीके से लोग अपने रिलेटिव से या फिर किसी से बात करनी, राइट। हेलो, हाँ चाचा जी नमस्कार, कैसे हैं चाचा जी? अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और फैमिली में कैसे हैं चाचा जी सभी? अच्छा ठीक है, ओके ओके, हाँ हम लोग भी ठीक हैं चाचा जी, सब बढ़िया हैं सब बढ़िया हैं। और काम वाम कैसे चल रहा है चाचा जी? अभी जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं अभी शॉप के ऊपर जा रहे हैं? अच्छा नहीं जा रहे हैं, हाँ वो तो है ही, लॉकडाउन लगा हुआ है अभी, मार्केट वगैरह भी ओपन नहीं हो रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। तो चाचा जी मैं आपको ये बता रहा था, देखिए आजकल ना वैसे मैं देखो आप तो जानते ही हो, अभी क्रूशियल टाइम था, मतलब कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लिया हुआ है अपनी फैमिली के लिए? अच्छा लिया हुआ है आपने, ओके। अच्छा कौन सी कंपनी का लिया हुआ है वैसे? अच्छा स्टार हेल्थ का लिया है, ठीक है ठीक है, हाँ अच्छी कंपनी है मामा जी वो चाचा जी, अच्छी कंपनी है, हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ एक्चुअली ना मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना अभी इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस में एनरोल किया था, तो लगभग 1-1.5 महीना हो गया मैं चीज़ों को सीख रहा हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, और मैंने कहा चलो एक बार मैं अपने लोगों से बात करूँ, तो आप लोगों के पास अगर पॉलिसीज हैं तो मैं आपको गाइड कर सकूँ कि पॉलिसी सही है कि नहीं है या फिर उसमें क्या बेनिफिट्स हैं। सो इसी के लिए चलो मेरे को लगा आपसे एक बार बात करनी चाहिए, और काफ़ी टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो एक बार आपसे हालचाल पूछ लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा मेरे को पता है भाई, भाई जैसे अभी भाई की शादी हुई थी लास्ट ईयर, तो भाई भाई ने भी ले रखी है पॉलिसी अलग से या फिर आप ही के साथ इंक्लूड है अभी? अच्छा अच्छा भाई ने नहीं ले रखी, ओके ओके, तो भाई लेना चाह रहे हैं पॉलिसी क्या? अच्छा वो देख रहे हैं ऑनलाइन, अच्छा अरे वाह, नहीं नहीं कोई नहीं चाचा जी मैं आपको बता देता हूँ, देखो मेरे पास ना सारी कंपनीज की मैं डीलिंग करता हूँ, और मैं पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी अच्छी चीज़ों को सीख रहा था, और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन सी कंपनी देख रहा है वैसे, अब एक बार मेरी भाई से अगर बात करा दें तो मैं उनको गाइड कर दूंगा, समझा दूंगा कि कौन सी कंपनी का प्लान अच्छा है, किसका बेटर है, कहाँ पर आपको अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ तो एक बार बात करा दीजिए, है ना, तो मैं भाई को ही समझा देता हूँ। जी जी ठीक है, ओके। हाँ जी हाँ जी, हेलो भैया कैसे हो भैया? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताओ भैया बाकी सब कैसे हैं, भाभी कैसी हैं? चलो बहुत अच्छी बात है भैया। और काम वाम चल रहा है भैया अभी घर से कुछ? अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं नहीं हमारा भी ऐसे ही है, थोड़ा बहुत चल रहा है, और लॉकडाउन में तो आपको पता ही है मार्केट भी बंद है, हम बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, हमारी शॉप भी बंद है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, तो भैया मैं एक्चुअली ये कह रहा था, मैंने ना अभी 2 महीने पहले लगभग अपना इंश्योरेंस एडवाइजरी का बिजनेस शुरू किया है, तो मैं अभी वही चाचा जी से बात कर रहा था, तो कह रहे थे कि भैया कोई पॉलिसी वगैरह सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन जाके। हाँ जी हाँ जी, अच्छा कौन सी कंपनी देख रहे थे आप? अच्छा 2-3 कंपनी देखी हैं, ओके मैक्स देखी है, अच्छा HDFC, हाँ ये वैसे अच्छी कंपनी है भैया, बट मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, देखो ऑनलाइन लेने से सिर्फ एक ही नुकसान होता है आपका, कल को मान लो कोई भी क्लेम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो हो सकता है उस टाइम पे प्रॉपरली आपको सपोर्ट ना मिल पाए, तो मेरा तो यही एडवाइस रहती है, क्योंकि भैया मैंने ना इसमें 2-3 महीने अभी लगाए और सीखा है मैंने, तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ना अगर हम एडवाइजर्स के थ्रू पॉलिसी लेते हैं तो कल को क्लेम लेने पर ना प्रॉब्लम नहीं होती, आपको जो एडवाइजर होता है मान लीजिए वो आपको प्रॉपर गाइड कर देता है, प्रॉपर सपोर्ट देता है उस टाइम पे। हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं करता हूँ भैया इसका काम करता हूँ मैं, हाँ सारी कंपनीज है मेरे पास। अच्छा मैं आपको फिर बता दूंगा, तो आप बता दीजिए कब फ्री है, मैं आपको प्लान समझा दूंगा। अच्छा रात को कॉल करूँ? ठीक है आप बता दीजिए किस बजे, 8-8 बजे कर लूँ भैया आपको कॉल? हाँ ठीक है मैं 8-8 बजे के करीब आपको कॉल कर लूँगा, और आपको पूरा प्रोडक्ट की डिटेल समझा दूंगा, और कंपैरिजन वगैरह भी दे दूंगा, जो भी अच्छे प्लान होंगे ना तो आपको कंपैरिजन दे दूंगा, और कंपैरिजन में आपको 2-3 कंपनीज के प्लान पता लग जाएंगे, सो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बता दीजिएगा, तो मैं पेमेंट लिंक भेज दूंगा जिससे कि आपको कम से कम एक घर में बैठे सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, आप तो घर वाली बात है भैया, कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो या बिल्कुल आपको बेस्ट प्लान ही बताऊंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
तो भैया आओ फिर किसी दिन, बहुत दिन हो गए घर नहीं आए आप। हाँ भाभी को लेकर आओ, है ना। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ठीक है भैया, ध्यान रखना, है ना। ओके ओके, थैंक यू भैया, बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने बिल्कुल जेन्युइन डेमो कॉल करके दिखाई है, ठीक है। दोनों तरफ से कन्वर्सेशन कर रहा था, भैया की साइड से भी, अपनी साइड से भी। ऐसा नहीं है यार, प्रोडक्ट बेचने के लिए ना आपको डायरेक्टली किसी को कॉल करना है और सीधा ये बोलना है कि यार हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। नहीं, आपको लोगों से बात करनी है, लोगों के हालचाल पूछना है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, देन अपना प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। तो हो सकता है मैं आपको आपके एक्सपीरियंस की बात करूंगा, आपने अगर 100 लिस्ट बनाई है और डेली बेसिस पे बिना रुके, बिना बिना किसी फेलियर के, अगर 10 लोगों से रेगुलर बात करी, 100 लोगों से बात करी, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस ना आज की डेट से अगले 18 तारीख तक कम से कम 10 गुना हो जाएगा। आज अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है इंश्योरेंस को लेकर, इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करने को लेकर, मैं कहता हूँ कि आपको एक भी प्रोडक्ट सेल ना हो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इंटर्नशिप होता है, इंटर्नशिप को पैसे नहीं मिलते, कोई चीज नहीं मिलती, बट फिर भी वो अपने डेडिकेशन के साथ काम करता है। अगर आपने अगले 10-15 दिन तक, 10-12 दिन तक जो भी आपको एफर्ट्स करने हैं, तो अगर आपने 100 लोगों से इसी तरीके से एफर्ट्स करके कॉल कर ली, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ आपका कॉन्फिडेंस 10 गुना हो जाएगा। आप माइंड से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, यार मेरा प्लान बिकेगा नहीं बिकेगा, जस्ट बात करो, लोगों से कॉम्युनिकेट करो, हालचाल पूछो कॉल करो, हालचाल पूछो कॉल करो, दैट्स इट। आज मैं भी अगर प्रोस्पेक्टिंग करने बैठूं ना, आपके सामने अगर मैं 10 लोगों को कॉल करता हूँ, मैं लिख के कह सकता हूँ मैं 5 लोगों को कन्वर्जन ले आऊंगा, चाहे उसको मैं गाड़ी की इंश्योरेंस बेचूँ, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस बेचूँ, चाहे लाइफ इंश्योरेंस बेचूँ, कुछ भी बेचूँ, बट मुझे पता है लोगों को जरूरत है, उसको अगर कोई अच्छा पर्सन मिल जाए एडवाइस करने के लिए तो उसके प्रोडक्ट सेल हो गई होगा। सो फ्रेंड्स, डू योर एफर्ट्स, आप अपने अच्छे से अच्छे एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि देखो आपको सिखाने समझाने के लिए मैं अपने पूरे एफर्ट दे रहा हूँ, कोशिश मैं करूंगा आपको इससे ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग अगर सक्सेसफुल होंगे ना, तभी होंगे जब आप चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। आप मुझे बताओ कि आप अगर दुकान खोल के बैठते हो, कोई भी काम खोल के बैठते हो, क्या एक दिन के अंदर आपका बिजनेस सेटल हो जाता है क्या? क्या वो 1 साल लगता है, 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं? एटलीस्ट हर पर्सन, किसी से भी जाके पूछ लो, अपनी फैमिली में जो भी आपका हेड ऑफ द पर्सन है, आप उसको बोलो मैं कोई शॉप खोलना चाहता हूँ, कोई दुकान खोलना चाहता हूँ, तो मेरा बिजनेस कितने टाइम पे सेटल होगा? हर कोई बंदा आपको ये बोलेगा कम से कम 6 महीने से 1 साल के अंदर। भाई आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आए हो तो यहाँ पर भी टाइम लगेगा, चीजों को सीखने में, समझने में, करने में टाइम लगेगा। सो डोंट थिंक कि आप आज आए हो और आज ही आपका सब माल बिक जाएगा। जस्ट एफर्ट्स करो, चीजों को सीखो, लर्निंग पे ध्यान दो, और लर्निंग के बाद अर्निंग तो आएगी ही आएगी, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी आप छोटा भाई बड़ा भाई मानते हो मेरे को, तो उस तरीके से आप अपने 100 लोगों के लिस्ट बनाओ। मैं आपको ट्रैक नहीं कर सकता, मैं आप लोगों को बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ यार आप लोग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, ठीक है। आपके जो भी डिफिकल्टी आएगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, आप डेली बेसिस पे मेरे को मैसेज करो कि सर मैंने लोगों से बात करी, ये मेरी क्वेरी आई है, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। इतना एफर्ट्स करने के लिए तैयार हूँ, बट आपके एफर्ट्स चाहिए मुझे, राइट। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अप्रोच के ऊपर। फाइनली आपको अब समझ आ गया होगा कि 100 लोगों की लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों का एक्सपीरियंस गेन हो, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि यार पैसे नहीं है, कुछ लोग होंगे मैं अगले महीने खरीदूंगा, कोई बोलेगा मेरे घर में इंश्योरेंस एजेंट है, कोई बोलेगा मेरी कंपनी से पॉलिसी हो रखी है। तो मैं चाहता हूँ यार आप लोगों को पता लगे कि लोगों के क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं, लोगों के क्या क्या क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए। लोग क्या पूछेंगे कि यार मेरे को ना हॉस्पिटल का नाम बता दो, तो आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन पता लग जाएगी कहाँ से सर्च करना होता है, आपको पता लग जाए कि यार मेरे को पेमेंट लिंक बनाना है कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप चीजों पे चलेंगे तो काम हो जाएगा। सो आपको 100 लोगों की लिस्ट बना के उस पर काम करना है, अगले 10 से 12 दिन में आपको ये पूरा स्टेप खत्म कर देना, राइट। सो आप 45 लोग इस वेबिनार में है, सो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे के सारे लोग इस चीज को फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है अप्रोच का, मतलब कि जब हम लोगों से बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो हमें लोगों को पिच करना होता है, लोगों को समझाना होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का एक एग्जांपल दिया हुआ है, बट आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस के एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि नमस्कार सर, मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस देखो के बिहाफ से,
सर क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? यस, सामने वाला बोलेगा यस। थैंक यू सर। सर इंश्योरेंस देखो मैं एक बहुत अच्छा प्लान है जिसमें आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर मिल सकता है और जिसके लिए आपको 600 रुपये पर मंथ देने होते हैं और ये रिस्क कवर जो होता है आपका 85 इयर्स तक का आपका इंश्योरेंस कवर होता है, मतलब कि 85 साल तक का आपका इंश्योरेंस कवर होगा। इस बीच में आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को 1 करोड़ का आपको रिस्क कवर मिल जाता है, 1 करोड़ का आपको अमाउंट मिल जाता है। तो सामने वाले को आपने हुक कर लिया, मतलब कि सामने वाले को आपने सुनने पे मजबूर कर दिया कि मेरे को उसके बारे में और बताओ, राइट? तो अगर आपने 2 लाइनों में या 2 स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात बोली तो सामने वाला अपना इंटरेस्ट शो करेगा, हाँ यार मेरे को इसके बारे में बताइए, ठीक है। सो इस तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस की भी पिच कर सकते हैं। तो मैं आपको सेकेंड पिच बता रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की। नमस्कार सर, मैं राहुल जैन बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस देखो के बिहाफ से। सर मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? हाँ जी बताइए। थैंक यू सर। सर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि सर इंश्योरेंस देखो मैं एक बहुत अच्छा प्लान है जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए का रिस्क कवर मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस में। सर अगर आपकी फैमिली में कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो ये कंपनी आपको 10 लाख रुपए तक का आपको ट्रीटमेंट का बेनिफिट देती है, जिसके लिए सर मैं आपको बोलूंगा ज्यादा नहीं, कंपनी आपको 500 रुपए पर मंथ देना होता है एक मेंबर के लिए, मतलब कि अगर आपके फैमिली में मान लीजिए 3 मेंबर है तो आपको पूरे महीने का 1500 रुपए पे करना है। तो सर आप अगर इसको लेते हो तो आपको 1 साल तक 10 लाख रुपए का यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो सर अगर आप इसकी जानकारी लेना चाहते हो तो मैं आपके साथ एक मीटिंग फिक्स कर सकता हूँ, मैं आपका एक मीटिंग का टाइम मैं आपसे 10 मिनट ले सकता हूँ। आप कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि सर मैं आपसे कुछ 10 मिनट का टाइम ले सकता हूँ आपके लिए, ओके। तो जैसे ही सामने वाला मान लीजिए हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है, ना बोलेगा तो आप रीजन पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप मना कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ना बोलेगा तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो। अगर सामने वाला बोलेगा यस तो आप उसको 2 ऑप्शन दे सकते हो कि सर देखिए या तो आप मेरे साथ जूम मीटिंग के अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको जूम मीटिंग का लिंक भेज देता हूं। तो इससे आपको क्या होगा कि हम आपस में मीटिंग कर पाएंगे, मैं आपको कंप्लीट प्रोडक्ट के बारे में बेनिफिट के बारे में बता पाऊंगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो हम इसको परचेज कर लेंगे, आपकी फैमिली के लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन, अगर मान लीजिए अभी लॉकडाउन है तो लॉकडाउन जैसे ही ओपन हो जाता है तो आप कस्टमर को बोल सकते हो कि सर दूसरा तरीका ये है कि हम अगर मिलके एक बार प्रेजेंटेशन कर लें तो मैं आपको कंप्लीट प्लान के डिटेल बता दूंगा जिससे कि आपकी फैमिली को ये सारे बेनिफिट्स मिल सकें, ठीक है। सो सर ये जो प्लान है लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि अभी हमें सुनने के लिए आ रहा था कि कंपनी अपना प्रीमियम वगैरह इंक्रीज कर रही है नेक्स्ट मंथ में, तो सर अगर आप बोले तो मैं आपको एक बार प्लान समझाने के लिए कल या परसों सुबह आ जाऊं। अच्छा ठीक है सर, मैं कल आ जाता हूं फिर। तो सर एक बार मेरे को आप एड्रेस नोट करा देंगे जिससे कि मैं आपके पास कल विजिट कर पाऊँ? हाँ जी हाँ जी ठीक है। तो आपने एड्रेस नोट कर लिया, लैंडमार्क पूछ लिया, कस्टमर का कंफर्मेशन ले लिया कि कल सुबह 10 बजे पहुंच जाओ, तो आपने एक मीटिंग कर ली या फिर जूम मीटिंग फिक्स कर ली। तो क्लाइंट से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है जब भी आप कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, राइट। लेकिन जब हम कस्टमर के घर जाते हैं या उसके ऑफिस जाते हैं पहले हमें उसके साथ रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। फोन पे रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपके पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब हम फेस टू फेस मिलते हैं या जूम मीटिंग के ऊपर मिलते हैं या फिर किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिलते हैं तो अगर हम 1-to-1 किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मतलब एक एक कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 1-on-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हमें लोगों के साथ अपना एक रिलेशन बिल्डिंग करना होता है, उसके बाद ही हम अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं, राइट। पॉइंट नंबर 3, व्हेन कस्टमर इज कमिंग टू लिसनिंग मोड देन कंप्लीट, आप उसको पूरी डिटेल्स बता सकते हो अगर वो आपकी बातें सुनने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। सर इसके लिए मैं आपसे 5 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ या 5 मिनट का मीटिंग चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता सकूँ और इसके लिए आप कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे हेल्थ इंश्योरेंस के केस में कि सर इसके लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपकी फैमिली की आधार कार्ड वगैरह, ठीक है, आपके फैमिली के हाइट वेट या आपका हाइट वेट एंड मोबाइल नंबर, मेल आईडी। तो आपने जैसे ही 3-4 चीजें बोली तो सामने वाला बोलेगा हाँ जी हाँ जी मेरे पास है, कोई दिक्कत नहीं, मिल लेते हैं, ठीक है। तो सामने वाले के माइंड में एक सेट हो गया कि भाई सामने वाला प्लान समझने के बाद कहीं ना कहीं आपसे इंटरेस्ट शो करेगा, आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। सो क्योंकि कल का वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं आधार कार्ड घर पे भूला है, ठीक है, या फिर आधार कार्ड मेरा अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे को सारी डिटेल्स नहीं पता। तो अगर मान लीजिए आप एट द टाइम ऑफ अप्रोच जब उसको यहाँ पर अप्रोच करोगे उस टाइम पर आप बता दोगे तो कल को वो क्लोजिंग के टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रखेगा इस तरीके का, राइट।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3 की, ओपन द कॉल, मतलब कि जब हम किसी को यहाँ पर अप्रोच करते हैं, किसी से मीटिंग फाइनल हो जाती है, चाहे जूम के थ्रू चाहे फिजिकल मीटिंग 1-to-1 आप अगर बात करें, तो जब भी हम क्लाइंट के पास जाते हैं तो हमेशा हमें कभी भी पहली चीजें ध्यान रखनी है कि कभी भी हम अपना प्रोडक्ट जो है फोन पर सेल ना करें। आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, आप मेरे को इंश्योरेंस समझाओ और फोन पे, और फोन पे हम फाइनल कर दें। देखो आज का टाइम छोड़ देते हैं भाई, आज का टाइम मतलब कि आज की डेट में अगर मान ली आपको किसी को इंश्योरेंस समझाना है, तो हम लोग क्या सोचते हैं यार फोन पे समझा देते हैं, 5-2 मिनट का टाइम लगेगा, पूरा समझा दिया और आधी चीजें उसको समझ ही नहीं आती। सो इससे बेटर है कि अगर फोन पे समझाने की बजाय मैं उसको एक पीपीटी के थ्रू, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक जूम मीटिंग के ऊपर बताऊं तो उसको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब है उसको फोन पे समझाने की बजाय एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लोगों को प्रेजेंटेशन दो, जिससे कि आपका भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी कि हाँ यार ये दूसरे एडवाइजर से कुछ अलग है। ठीक है, इसने देखो एफर्ट्स किया हुआ है, प्लान प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है और उसके बाद मेरे को सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। तो आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों के साथ टाइम फिक्स करना है और उसके बाद जूम मीटिंग से या फिर फेस टू फेस मीटिंग करके आपको समझा देना है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट है, ऑलवेज सेल योर अपॉइंटमेंट, मतलब कि आपको अपना टाइम सेल करना है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है डॉक्टर का। अब अगर हम बात करें डॉक्टर की, तो डॉक्टर कभी भी आपको प्रिस्क्रिप्शन, मतलब आपको अगर पेट में दर्द है तो आप अगर डॉक्टर को कॉल करोगे और बोलोगे मेरे डॉक्टर, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, क्या डॉक्टर आपको दवाई लिखवा देगा? डॉक्टर साहब आपको कभी दवाई लिखवाते हैं कभी फोन के ऊपर? नहीं लिखवाते ना। सो इसी तरीके से हम लोग भी एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, तो हमें भी क्या करना है, अपनी अपॉइंटमेंट सेल करनी है। मतलब कि हमें लोगों को बोलना है कि सर मैं आपके साथ एक 10 मिनट के लिए मिलना चाहता हूँ, या फिर सामने वाला आपके साथ बोले मैं 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन चाहता हूँ, उसके बाद आप उसकी नीड एनालाइज करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। ठीक है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पर अपॉइंटमेंट करने के बाद, उसके बाद हमारा नंबर आता है, हम डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं, कैबिन में जाके उसको बताते हैं कि सर मेरे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, उसके बाद वो मेरे को प्रिस्क्राइब करता है, राइट। कभी भी डॉक्टर आपको ऐसा करता है कि आप बोलते हो पेट में दर्द है, वो कहते हैं नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है कि वो डॉक्टर क्या है, आपको पहले ही डरा रहा है, वो स्टेप फॉलो करेगा। अगर डॉक्टर स्टेप फॉलो नहीं करेगा तो वो ऑपरेशन वाले लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो डॉक्टर पहले क्या करता है, पहले चीजों को अंडरस्टैंड करता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसके बाद उसको सोल्यूशन देने की प्रोवाइड करता है, सोल्यूशन जैसे नहीं होता तो उसके बाद फाइनली वो बोलता है कि भाई आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो वो स्टेप्स है, अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएगा। सो सेम इसी तरीके से अगर मैं डायरेक्टली कस्टमर को कॉल करके बोलूं कि यार हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो कोई भी आपसे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेगा। पहले चीजों को समझो तो सही, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी जरूरत है, उसकी फैमिली में कौन है, ठीक है, उसके फैमिली में उसको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, उसकी नीड को एनालाइज करना जरूरी है, राइट। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, ऑलवेज गिव योर इंट्रोडक्शन बिफोर यू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, मतलब कि जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करें कि आप कितने टाइम से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस है, कितने लोगों को आपने अभी तक सिक्योर किया। ठीक है, बट आप लोग अगर न्यू है तो आपके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी आप थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं। ठीक है, कि जैसे कि आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर आप मल्टीपल कंपनीज के अंदर काम करते हो, ठीक है, आप यहाँ पर लोगों को बता सकते हो कि भाई मैं इतने लोगों को यहाँ पर प्लानिंग कर रहा हूँ, लोगों को सिक्योर करने की, उनकी उनकी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। ठीक है, सो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके आप अपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो या फिर उनसे रिलेशन बिल्डिंग करना शुरू कर सकते हो, राइट। पॉइंट नंबर 4, आस्क फॉर एक्चुअल नीड और रिक्वायरमेंट, मतलब कि अगर मान लीजिए आप कस्टमर के साथ बैठे हो प्रेजेंटेशन के टाइम पे, उससे पहले आपको उसकी एक्चुअल जरूरत, उसकी नीड के बारे में या उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है वो कहता है मेरे को मैटरनिटी प्लान चाहिए और आपने उसको ऑप्टिमा रिस्टोर बता दिया, तो कहेगा यार इसमें तो है ही नहीं आपका मैटरनिटी कवर, आप बोलेंगे हाँ हाँ सर ये वाला प्लान नहीं है, तो आपकी जो जो ब्रांडिंग है, जो आपका नाम है, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगा। मतलब सामने वाला सोचेगा यार आपको कुछ नहीं पता, राइट। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक्सपीरियंस गेन करना है, 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, काम करो, प्रोडक्ट बिके ना बिके बट एक्सपीरियंस गेन कर लो। ठीक है, सो आपको यहाँ पर लोगों की नीड समझने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट समझने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऑलवेज थिंक दैट यू आर इन द सीट ऑफ कस्टमर देन व्हाट यू रिक्वायर्ड, मतलब कि मान लीजिए जब आप कस्टमर से बात करते हो तो आप ये सोच के चलो कि यार आप कस्टमर की जगह बैठे हो और कस्टमर आपकी जगह बैठा है, मतलब कि आप उस टाइम पे एडवाइजर, आप एडवाइजर की जगह नहीं हो, आप क्लाइंट की जगह हो और आपका क्लाइंट एडवाइजर की जगह है,
तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वो आपके कस्टमर के लिए क्या वायबल है, क्या वो वैल्यू रखते हैं। आपने बोला सर इसके अंदर 20,000 का प्रीमियम आ रहा है और दूसरी कंपनी के अंदर 12,000 का प्रीमियम है। अब कस्टमर पूछ रहा है कि जी 12,000 का अच्छा है कि 20,000 का अच्छा है, आप बोलते हो कि सर नहीं 20,000 का अच्छा है, तो कस्टमर आपसे उम्मीद रखेगा ना कि भाई 20,000 क्यों अच्छा है, 12,000 वाला क्यों बेटर नहीं है उसमें, और इसमें क्या डिफरेंस है। सो अगर आपको डिफरेंस पता है तो ही आप उसको एक्चुअल में उसको कन्विंस कर पाओगे, अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आपकी सेल गई, राइट। सो फ्रेंड्स एक्सपीरियंस गेन करना है, लोगों से बात करनी है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑलवेज स्माइल, फील फ्री व्हाइल टॉकिंग। मतलब कि पहले तो जब हम बात कर रहे हैं तो हमेशा स्माइली फेस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि घर में हमारे लड़ाई हुई है, कोई हमारे प्रॉब्लम है हमारे को, ठीक है। अपना पर्सनल जो भी आपकी चीजें हैं, पर्सनल चीजों को आपको प्रेजेंट नहीं करना लोगों के सामने, तो हमेशा स्माइल के साथ जाइएगा। दूसरी चीज, आप ऐसे बात कीजिए जैसे कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं लोगों के साथ बात करने में, लोगों से मिलने में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं लोगों के पास जाते हैं और बात बात नहीं कर पाते, कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते, मतलब उनको शाई फील होता है या फिर उनसे चीजें नहीं पूछ पाते, क्वेरीज नहीं रख पाते, ठीक है। सो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। पहला तरीका, शीशे में जाके प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो अगले एक महीने तक। दूसरा तरीका, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। मान लीजिए आपको इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, आप लोगों से बात नहीं कर सकते, लोगों के साथ डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करो, स्टार्टिंग में लोगों से बात करना शुरू करो। चाहे आपको प्रॉब्लम आ रही है कोई दिक्कत नहीं, बट अपने पॉइंट्स लिखिए। मतलब कि अगर आपको 10 क्वेश्चन पूछने हैं, 10 क्वेश्चन पेपर पेन पे लिखिए, एक एक करके कस्टमर से पूछना शुरू कीजिए। अगर आपने इस तरीके से 25-30 लोगों को, 50 लोगों को क्वेश्चन पूछ लिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगोगे किसी अननोन लोगों से बात करने के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स ये सारे तरीके हैं, आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हो, अप्लाई करते हो, सो आपको यहाँ पर धीरे 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 आपका एक्सपीरियंस सेल प्रोसेस की तरह आपका गेन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट्स की। मतलब कि अब हमने मान लीजिए यहाँ पर लोगों को ओपन द कॉल भी किया, मतलब कि लोगों को बताना शुरू किया, उनको अप्रोच करना शुरू किया। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट की। मतलब कि कंसेप्ट के अंदर पॉइंट आता है फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब कि मान लीजिए जब भी हम किसी कस्टमर के साथ यहाँ पर प्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं, तो हमेशा पहले अपना विजिटिंग कार्ड उनको दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर विजिटिंग कार्ड नहीं है, या हम किस तरीके से बनाएं। सो फ्रेंड्स डोंट वरी, आप एक या दो दिन का वेट कीजिए, आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर आप सीखोगे कि आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड कैसे बना सकते हो। अभी तक आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना कार्ड बनाया होगा, वो नॉर्मल विजिटिंग कार्ड बनाया, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी विजिटिंग कार्ड। फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने अपने एफर्ट्स करे हैं, अपने एफर्ट्स करने के बाद उन्होंने विजिटिंग कार्ड बनाया। बट आपको क्या सीखने को मिल सकता है, आपको क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप अपना किस तरीके से डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है। डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने के बाद अगर आप किसी को अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड भेजोगे, तो वो डायरेक्टली आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है, वहां से कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। सो आपको मैं एक या दो दिन के अंदर आपको वाली वीडियो दे दूंगा, जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों का अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की, आस्क हिम टू इनवाइट फैमिली मेंबर्स बिफोर स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। इससे पता लग जाता है कि डिसीजन मेकर कौन है। फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 2 के लिए मैं बात करूं कि जब भी हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, किसी को समझाना शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, तो आप पूछिए कि भाई आप में, आपकी फैमिली में आप मतलब आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को इनवाइट कर लीजिए या अपने फादर मदर को इनवाइट कर लीजिए, जिससे कि मैं उनको भी ये प्लान के बारे में समझा पाऊँ। क्योंकि देखिए मैं आपको इंश्योरेंस की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंश्योरेंस की प्लानिंग आपकी फैमिली के सामने हो जाए। अगर आपको कोई भी इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए या कुछ और चाहिए, तो आपकी फैमिली उसके अंदर डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सके। तो अब इससे क्या होगा, या तो मान लीजिए वो पर्सन आपको मना करेगा, नहीं 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 यार उनकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला डिसीजन ले लूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको कल को वो ये नहीं कह सकता प्रेजेंटेशन देने के बाद कि भाई मैं अपने फादर से पूछ के बताऊंगा, अपने मदर से पूछ के बताऊंगा, अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, या कोई और ऑब्जेक्शन। तो अगर आपने प्रेजेंटेशन देने से पहले उनको ये बोला कि आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लीजिए प्रेजेंटेशन में, तो कल को वो आपको इस तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं देंगे, राइट। पहली चीज।
दूसरा यहाँ पर क्या है, आस्क पॉइंट्स फॉर प्रोस्पेक्ट, मतलब कि आपको प्रोस्पेक्ट से कुछ पॉइंट्स पूछने हैं कि भाई आपका बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, आपकी वाइफ वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, इसके बाद आप प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका खुद का घर है या रेंटेड घर है, ठीक है, आपका कोई लोन चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी चाइल्ड की एजुकेशन किस तरीके की है, कितनी फीस वगैरह आपका, कितना एक्सपेंसिस यहाँ पर निकल जाते हैं, सो इससे आप क्या जज कर सकते हो। यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपको कोई कोई पहले कोई डिजीज, कोई बीमारी तो नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, बट कोई ऐसे क्वेश्चन जो कि सामने वाला बात करने में, आपको बताने में कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एक दो क्वेश्चन पूछे, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं है, आपने पूछा सर आप जॉब करते हो बिजनेस करते हो, सामने वाला बोलता है यार जॉब करता हूँ, अच्छा सर कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, अच्छा जी इस कंपनी में करता हूँ, ठीक है सर आप प्राइवेट जॉब में है गवर्नमेंट में है, पहले प्राइवेट जॉब वाला गवर्नमेंट वाला आएगा फिर कंपनी आएगी, है ना, तो उसके बाद आपने डिटेल पूछने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कंफर्टेबल है क्लाइंट, तो उसके बाद आप इमीडिएट बेसिस पे उससे दूसरे क्वेश्चन में पूछना कि यार लोन ले रखा है नहीं ले रखा, अपना घर है कि दूसरा घर है, तो यहाँ पर कस्टमर थोड़ा सा आपको शक की नजर से देखेगा कि यार ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन मेरे को क्या जरूरत पड़ रहा है, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस समझने के लिए आया हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपको चीजें समझ के ही क्वेश्चन पुट करने हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चन है लोन वाला, अपने घर लेने वाला, ठीक है कि अपना अपना घर है, रेंटेड घर है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादातर हम लाइफ इंश्योरेंस के केस में पूछते हैं, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन कौन से पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग एंड एनालाइज, मतलब कि अब यहाँ पर हमें फैक्ट फाइंड करना है, मतलब कि उसको एनालाइज करना है, चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना है। हमने प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन देने के बाद सबसे पहले आपके पास अपना हैंडी होना चाहिए, मतलब कि ऑलवेज हैंडी विद द प्लान ब्रोशर, आपके पास प्लान का ब्रोशर हैंडी होना चाहिए, मतलब कि आपके हाथ में या आपके मोबाइल फोन में होना चाहिए। प्रीमियम चार्ट आप लोगों के पास मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां से आप देख सकते हो इमीडिएट बेसिस पे। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, मतलब कि अगर सामने वाला बोलता है कि यार मेरा पेमेंट लिंक जनरेट कर दो, तो कौन कौन सी डिटेल क्लाइंट से लेनी पड़ती है, वो वाली डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ, क्लाइंट का मोबाइल नंबर, मेल आईडी, क्लाइंट का ऑक्यूपेशन, नॉमिनी की डिटेल्स, हाइट वेट, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या डिटेल्स की जरूरत है। कस्टमर बोलता है मेरे को पीईडी है, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। क्लाइंट की डिस्चार्ज समरी लेनी होती है, क्लाइंट का पुराने जो प्रॉब्लम है उसका प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है डॉक्टर का, ठीक है, वो सारे परचेज वगैरह हमें यहाँ पर कंपनी को मेल करने पड़ते हैं, राइट। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो बोलता है पोर्टेबिलिटी करनी है, तो आपको पता होना चाहिए पोर्टेबिलिटी के केस में क्या करना है। पोर्टेबिलिटी के केस में हमें क्लाइंट की पुरानी 3 साल की, 2 साल की, 1 साल की, जितने भी सालों से उनकी पॉलिसी चल रही है, वो सारे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट भी लेना होता है, प्लस हमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लेनी होती है, एंड बाकी डिटेल्स लेनी होती है। तो एक्चुअल में जब आप क्लाइंट के सामने बैठे हो, तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस या डिटेल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट हमें आने वाली है, राइट। ऐसा नहीं है हम क्लाइंट के सामने बैठे हैं और वहां से कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे को डिटेल्स बता दो, क्लाइंट का इंप्रेशन आपके साथ खराब हो जाएगा, ठीक है। सो अटेंड द कंपनीज मीटिंग टू गेट द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द पॉलिसीज, लॉगिन प्रोसेस एंड सो ऑन, मतलब कि हमारी कुछ कंपनी की डायरेक्ट मीटिंग्स होती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, हम लोग इंश्योरेंस देखो के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन कई बार क्या होता है आदित्य बिरला, मैक्स, HDFC, इन लोगों के जो ट्रेनिंग होते हैं, इन कंपनीज की जो ट्रेनिंग होती है, वहां के ट्रेनर हमारी कंपनी के जो एडवाइजर हैं उनको डायरेक्टली ट्रेन करते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया होगा आप में से, तो आप लोगों को पता होगा कि आपको डायरेक्ट कंपनी की ट्रेनिंग भी मिलती है। मान लीजिए कंपनी का कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को उसका इन्विटेशन लिंक भेजूंगा, बट आपको वहां पर एक गलती नहीं करनी जो लोग आप अक्सर कर जाते हैं, क्या चीज, अगर मान लीजिए वहां पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चल रही है, एग्जाम्पल ऑप्टिमा रिस्टोर, तो आपको ऑप्टिमा रिस्टोर से रिलेटेड ही क्वेरी पूछनी है। ऐसा नहीं है आपने HDFC वाले ट्रेनर से मैक्स की डिटेल पूछी और उससे वो बोले कि सर आपको नहीं पता, ठीक है। सो ऐसे गलती नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी की जो ट्रेनिंग होती है वो पर्टिकुलर उनके ट्रेनर होते हैं, ठीक है। वो ट्रेनर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में ही जानकारी दे सकता है, दूसरी कंपनी की जानकारी वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो इंश्योरेंस देखो मल्टीपल कंपनी में काम कर रहा है, बट HDFC ICICI एक इंडिविजुअल कंपनी है, तो इंडिविजुअल कंपनी में कभी भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं तो कभी भी इस तरीके की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज स्टार्ट विद द हायर और एलिजिबल रिस्क कवर, मतलब कि मान लीजिए आपने क्लाइंट से बात करी, कस्टमर कहते हैं जी मेरे को 5 लाख की पॉलिसी बताओ, 5 लाख का प्रीमियम बताओ, तो आप एक बार कोशिश कीजिए, उनको बोलिए कि सर मैं आपको 5 लाख का प्रीमियम तो बता रहा हूँ, बट इसके साथ साथ मैं आपको 10 लाख का प्रीमियम भी भेज रहा हूँ,
जिससे कि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए कि 5 लाख के लिए 15,000 पे करना है और 10 लाख के लिए 18,000 पे करना है। तो क्लाइंट क्या सोचेगा यार, 3,000 पे देके मेरे को पॉलिसी 10 लाख की मिल रही है, मतलब कि 5 लाख की पॉलिसी 15,000 की, 10 लाख की पॉलिसी 18,000 की, ठीक है। तो क्लाइंट क्या सोचेगा, 5 लाख का रिस्क कवर 15,000 का, 10 लाख का रिस्क कवर 18,000 का, तो 3,000 पे एक्स्ट्रा देके मेरे को 10 लाख का रिस्क कवर मिल रहा है। तो इससे क्या फायदा होगा, एक तो क्लाइंट हायर सम इंश्योर्ड पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आपका फायदा होगा, आपका पे आउट कमीशन चार्ट बढ़ जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, कैलकुलेट ह्यूमन लाइफ वैल्यू HLV। सो फ्रेंड्स ये एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो मैं इस पॉइंट को अभी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, आपको अभी इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। पॉइंट नंबर 5, डोंट सेल योर प्रोडक्ट, ऑलवेज सेल योर कस्टमर बेनिफिट। मतलब कि आपको कभी भी अपना प्रोडक्ट के बारे में नहीं बेचना, हमेशा कस्टमर के बेनिफिट का बेचना है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे थे मोबाइल वाले की, ठीक है, अगर आप किसी मोबाइल किसी शॉप के ऊपर जाते हो मोबाइल परचेज करने के लिए, तो सामने वाला बंदा आपको क्या बोलेगा, सेल्स पर्सन आपको क्या बोलेगा कि सर ये प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताएगा, वो आपको क्या बोलेगा, सर ये फोन जो है आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, कि सर अगर आप इसको अपने फोटो खींचते हो या अपनी स्नैप करते हो तो आपको बहुत आपकी बड़ी प्यारी फोटो खींचने वाली है, ठीक है। सो कस्टमर का बेनिफिट बताना है कि सर इससे आपका ये बेनिफिट होगा। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में कि सर अगर आपके साथ कोई फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो सर आपकी फैमिली को अपने बैंक में FD तोड़वाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इमरजेंसी बैंक में कोई पैसे रखने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी से यहाँ पर डायरेक्टली कैशलेस क्लेम मिल जाएगा, ठीक है, 5 लाख 10 लाख जितने की भी पॉलिसी ले रहे हैं। तो कस्टमर के बेनिफिट की बात करनी है, प्रोडक्ट के फीचर्स की बात नहीं करनी, राइट। इसके बाद फाइनली हम बात करेंगे क्लोजर की। क्लोजर के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले यहां पर अगेन मैंने लिखा हुआ है कि आपके पास एक प्रोडक्ट का डिटेल हैंडी होना चाहिए, जिससे कि आप प्रोडक्ट उसको क्लोज कर पाओ, डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 के अंदर 3 चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप क्लोजर कर रहे हो, तो क्लोजर के अंदर आपका क्या फायदा है, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि भाई अगर मैं आज प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लीड आई, प्रेजेंटेशन दिया, तो आप अगर क्लोजर स्टेज पे हो, क्लाइंट कहता है कि यार मैंने सब कुछ समझ लिया और उसके बाद मेरे को पॉलिसी लेना है, तो सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखना कि आपका क्या बेनिफिट है, कस्टमर का क्या बेनिफिट है, और कस्टमर अपना रिस्क पोस्टपोनमेंट क्यों कर रहा है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले आपका बेनिफिट क्या है, एक तो आपका इनकम या कमीशन जनरेट हो जाएगा, दूसरा आपकी मोटिवेशन आ जाएगी। मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने अगर अभी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करा, ठीक है, आपका अभी नया नया कोड जनरेट हुआ है, आप लोगों ने अभी अपना काम शुरू किया है, जैसे ही आपकी पहली सेल जनरेट हो जाएगी तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका खुद का मोटिवेशन इंक्रीज हो जाएगा कि यार मेरी प्रोडक्ट सेल हो गई, मैंने अपना एक प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार मेरे एफर्ट से ये काम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मोटिवेशन या कमीशन मिलता है। दूसरा कस्टमर का बेनिफिट होता है कि कस्टमर को पहले दिन से, मतलब कि उसकी एक सिक्योरिटी, एक उसको इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, ठीक है, तो कस्टमर का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। दूसरा आपको तीसरा यहाँ पर ध्यान रखना है, रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट। मतलब कि मान लीजिए आप कस्टमर बोलता है कि नहीं मैं अगले महीने लूंगा, 10 दिन बाद लूंगा, या कल सोच के बताऊंगा, परसों सोच के बताऊंगा वाइफ से। अब वाइफ वाला और घर वाला पॉइंट तो चला गया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया प्रेजेंटेशन देने से पहले आप पूछो कि यार किसको बैठाना है, किसको समझाना है, ठीक है। तो पोस्टपोनमेंट के आप अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट, आप सोचिए कि कस्टमर आज प्रोडक्ट समझ रहा है तो उसको 100% नॉलेज मिल रही है, उसको पूरी नॉलेज मिल रही है, तो कल को हो सकता है मे बी फैमिली मेंबर विल बी, उसके फैमिली में कोई और इंश्योरेंस एडवाइजर निकल सकता है, या उसकी फैमिली में कल को कोई बीमार हो जाए, तो वो अपना रिस्क पोस्टपोन कर रहा है। तो उसको आप में ध्यान रखना है, उसको ये बोलना है कि सर भगवान ना करे कल को आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आपके पास इंश्योरेंस ना हो, तो सर आप अगर आज 10,000-15,000 का प्रीमियम निकालने में अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो, तो कल को आप 3-5 लाख का बिल हॉस्पिटल में कैसे पे करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रिस्क ऑफ पोस्टपोनमेंट का भी ध्यान रखना है, कस्टमर को ये पॉइंट भी डिस्कस करना है, राइट। पॉइंट नंबर 3, आफ्टर प्रेजेंटेशन डोंट आस्क। मतलब कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो, प्लान समझा देते हो, कभी भी आपको कस्टमर से ये पॉइंट्स नहीं पूछने जो कि लिखे हुए हैं, पॉलिसी कैसी लगी, प्लान कैसा लगा, प्रेजेंटेशन कैसी लगी। देखो हम लोग ज्यादातर ये गलती करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लाइंट से हम इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये पॉलिसी कैसी लगी, सर इसके फीचर्स कैसे लगे आपको, सर इसका ये प्लान कैसा लगा आपको, सर प्रेजेंटेशन कैसी है आपकी, प्रेजेंटेशन कैसी लगी। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछने, हमें क्या पूछना है, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इमीडिएटली क्लोजर टेक्निक्स, मतलब कि आप इसको इमीडिएटली क्लोजर टेक्निक
या इसको हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कस्टमर इस तरीके के रिएक्शन दे रहा है, एक्शन यहाँ पर अपने कुछ एक्शन दे रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है और जाके पॉलिसी लिंक बनाओ, पेमेंट कराओ। मतलब जैसे कि आप क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि सर आपके एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड डालें या पासपोर्ट कॉपी डालें, मतलब कि सर आप अगर अपना एड्रेस प्रूफ देना चाहते हो तो उसमें एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड देंगे या पासपोर्ट देंगे। सामने वाला बोलेगा आधार कार्ड दूंगा, तो इसका मतलब है आपने उसकी पहली यस ले ली। मतलब कि आपको 3-4 बार आपको कस्टमर से यस यस टेक्निक पे खेलना है, ठीक है। कस्टमर ने बोला आधार कार्ड लूंगा, उसके बाद आपने पूछा सर पॉलिसी के अंदर नॉमिनी किसको रखना चाहेंगे, सर वाइफ को रखना चाहेंगे या मदर को रखना चाहेंगे या बच्चों को रखना चाहेंगे। कस्टमर बोलेगा छुटते ही मेरे को नॉमिनी वाइफ को रखना है। इसका मतलब है आपने सेकंड बार यस करा लिया, कस्टमर कहता है जी मैं अभी ये पॉलिसी लेना चाहता हूँ। तीसरी बार आपने पूछा सर आप पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड से करेंगे या नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से, सामने वाला बोलेगा क्रेडिट कार्ड से करूंगा। या फिर सामने वाला आपको क्या पूछ सकता है कि क्या मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ये मैं EMI कन्वर्ट करा सकता हूँ क्या, या मैं EMI में ये मंथली पॉलिसी ले सकता हूँ क्या। तो सामने वाले को आपने बोलना है जी सर आप मंथली पॉलिसी ले सकते हो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप मंथली पॉलिसी लेके यहाँ पर EMI कन्वर्ट कर सकते हो। अब कस्टमर बोलेगा यार इसमें तो मेरा इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप कस्टमर को समझाओ कि सर देखिए जहां आपको पूरे साल का 20,000 पे करना पड़ रहा था, बट अब सर देखिए आपको टोटल यहाँ पर लगभग 1600-1700 रुपए ही पे करना है। सर जो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो सर आप समझ के चलिए अगर कोई भी हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें बैंक तो अपनी चार्जेस लेगा ही लेगा, तो सर कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही, एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं ले रही, बट आपको बैंक यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, ठीक है। सो कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करनी है और उसको EMI अगर इंटरेस्टेड है तो EMI में क्रेडिट कार्ड से कन्वर्ट करा देना, राइट। तो ये कुछ क्लोजर टेक्निक्स हैं, अगर आप इस तरीके के यस यस क्वेश्चन पूछते हो कस्टमर से तो आपके क्लोजर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया क्लोजर कैसे होता है, इसके बाद आपसे हम बात करेंगे फॉलोअप्स की। अब फॉलोअप करने के लिए मेरे को ज्यादा समझाने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग फॉलोअप करते हो, ठीक है, फॉलोअप करना जानते हो। मान लीजिए कस्टमर आपको बोलता है कि परसों सुबह 10 बजे कॉल करना, मैं दिल्ली से बाहर हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे परसों सुबह के लिए, आप क्या कोई अलग से टेक्निक लेकर आओगे या कुछ लेकर आओगे? कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपनी डायरी पे नोट करना है या अपने फोन में रिमाइंडर लगाना है कि इस कस्टमर को मेरे को परसों सुबह 10 बजे बात करनी है, या फिर अपने गूगल कैलेंडर पे जाके एक शेड्यूल कर लो जहाँ पर आपने लिख लिया कि भाई मेरे को इस कस्टमर से सुबह 10 बजे बात करनी है। तो फॉलोअप करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है, बट सिंपल है कि कोई भी कस्टमर से बात करते हो और वो फॉलोअप के लिए बोलता है, इमीडिएट बेसिस पे आपको 10 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड के अंदर आप अपना रिमाइंडर सेट कर लो, जिससे कि उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर डेट पे आप उस कस्टमर से बात कर सको, राइट। तो फॉलोअप करने की कोई ऐसी एक्स्ट्रा टेक्निक नहीं है। बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देखो यहाँ पर अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चंस, कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन रख सकता है। कस्टमर बोल सकता है यार मैंने पॉलिसी तो लेनी है, ठीक है, बट मेरी कंपनी से भी पॉलिसी कवर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं एक अलग से पॉलिसी ले लूँ, ठीक है, तो यार मैं लूँ या ना लूँ। तो अब कस्टमर का जो ऑब्जेक्शन है बड़ा अटपटा सा है, यार मेरी कवरेज भी हो रखी है, पॉलिसी भी मेरी कंपनी से है, मैं लूँ या ना लूँ, मेरा ऑब्जेक्शन है। तो ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकते हैं, बड़े अटपटे से भी होते हैं कस्टमर के, ठीक है। कस्टमर कहता है मेरी पॉलिसी चल तो रही है बट उसके अंदर 2 लाख का कवरेज है, मैं सोच रहा हूँ यार 2 लाख का कवरेज तो बहुत है, मेरे को और ज्यादा लेने की जरूरत क्या है। तो आपने उसको अगर सुपर टॉप अप समझाया होगा और वो 2 लाख से सेटिस्फाइड है तो उसका ऑब्जेक्शन यही है कि मैं पैसे क्यों खर्च करूं, है ना। तो ऑब्जेक्शन कस्टमर के अटपटे भी हो सकते हैं और जेन्युइन भी हो सकते हैं। कई बार कस्टमर आपसे जेन्युइन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यार मैं पॉलिसी लेना तो चाहता हूं लेकिन अभी ना मेरे पास इमीडिएट बेसिस पे 15,000 रुपए नहीं है, ठीक है, तो जैसे ही मेरी सैलरी आती है मैं आपका पेमेंट मतलब पॉलिसी परचेज कर लूंगा, 15,000 का पेमेंट करके मैं पॉलिसी बाय कर लूंगा। तो अगर आपको लगता है कस्टमर की बातों से कि ऑब्जेक्शन जेन्युइन है तो आप उससे नेक्स्ट फॉलोअप का टाइम ले लो, उससे बात कर लो, एंड देन उससे बात करने के बाद यहाँ पर सारी चीजों को कंफर्म कर लो, ठीक है। सो उस दिन पे या उस टाइम पे आपने बात करके कस्टमर का ऑब्जेक्शन मैनेज करके उसको आपने यहाँ पर पेमेंट लिंक जनरेट करा दिया, मतलब कि आपकी सेल्स कन्वर्ट हो गई, राइट। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन मैंने दिए हुए हैं कुछ सैंपल के लिए, कुछ बताने के लिए। मान लीजिए इफ यू वांट टू बाय टीवी वॉशिंग मशीन या मोबाइल,
आप अगर कोई भी चीज, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज यहाँ पर परचेज करने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला कभी भी आप देखिए, मान लीजिए एग्जांपल, आप लोगों में से आप लोग टीवी परचेज करने के लिए जाते हैं किसी शोरूम पे, ठीक है। अब उस शोरूम में आपने बोला जी मेरे को 42 इंचीज का टीवी दिखाओ, ठीक है। आपने बोला मेरे को सपोज एग्जांपल 25,000 से 30,000 के बजट का टीवी दिखाओ, ठीक है। अब सामने वाले ने आपको सारे टीवी, सारे सब कुछ लगा हुआ है उसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, उसकी वॉल के ऊपर सब कुछ लगा हुआ है, उसने आपको टीवी दिखा दी है। अब आप क्या कहते हो, नहीं यार इस वाले टीवी के अंदर तो यार यूट्यूब नहीं चलता, इसमें नेटफ्लिक्स नहीं चलता, इसका साउंड अच्छा नहीं है, इसकी स्क्रीन अच्छी नहीं है, ये कर्व नहीं है, ये एलईडी नहीं है, तो आपके ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, और उस ऑब्जेक्शन को आंसर करने के लिए उस सेल्समैन आपको कन्विंस करेगा कि सर देखिए इसका साउंड बहुत अच्छा है, सर इस वाले सिस्टम से और इस वाले सिस्टम से आप कंपेयर करो, मैं इसकी वॉल्यूम फुल करके दिखाता हूँ और इस वाले की वॉल्यूम फुल करके दिखाता हूँ, तो सर मुझे बताओ कि ये वाला बेटर है ये वाला, आपको कि ये वाला बेटर है, तो सर मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि ये वाला बेटर है, तो जो आपका सेल पर्सन होगा वो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा जो भी आपका ऑब्जेक्शन है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, आई हैव मैनी पॉलिसीज, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, तो इस वाले पॉइंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये वाला हमारे पॉइंट नंबर 2 हमारे से रिलेटेड नहीं है। आई डोंट हैव मनी, अगर मान लीजिए कस्टमर आपको बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो आप उससे बड़े आराम से पूछिए कि सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, या आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अलाउ करें तो, ठीक है, इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सर देखो सर, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है पॉलिसी लेने के लिए, मतलब कि 15 से 16 हजार रुपए का प्रीमियम देने के लिए पैसा नहीं है, तो भगवान ना करे सर कल को आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या हेल्थ की इश्यू से कोई बीमार हो जाता है आपकी फैमिली में, तब आपके पास 3-5 लाख का बिल देने के लिए कहाँ से पैसा आ जाएगा। सो अगर आपने मान लीजिए कस्टमर को कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडल किया, तो कस्टमर मजबूर हो जाएगा सोचने के लिए कि हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आज मेरे पास 15-20 हजार रुपए का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, कल को अगर कोई फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ जाता है, मेडिकल इश्यू आ जाता है, तो वहां पे मेरे को 4-5 लाख रुपए का बिल देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, राइट। तो आप कस्टमर को इस तरीके से टैकल कर सकते हो, बट उससे पहले अलाउंस ले लो, उससे आप पूछ लो कि सर आप अगर माइंड ना करें तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, जिससे कि कल को आपको वो कोई गलत नजरों से या गलत चीजों से भी ना देखें, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 हम बात करेंगे, माई रिलेटिव इज इंश्योरेंस कंसल्टेंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी है, ठीक है। सो आपका अगर कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, आप अगर किसी से बात करते हो, तो वो आपको बोल सकता है कि भाई मेरी फैमिली में एक ऑलरेडी इंश्योरेंस कंसल्टेंट है जो कि मेरी पूरी सब फैमिली का देखता है, प्लान आपसे समझ रहा है, बाद में कह रहा है यार मेरा फैमिली में कंसल्टेंट है, तो भाई हमारा टाइम क्यों खराब कर रहे हो, उसी से जाके पूछ ना, उसी से जाके लो ना। तो उससे बोलो कि सर देखो रिलेटिव हो सकता है, सर आप अपने रिलेटिव को सारी बात ना बताओ, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर देखो रिलेटिव कल को हो सकता है आपके साथ उनका रिलेशन कल को खराब हो जाए, कोई बात हो जाए, बट सर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको अगर पॉलिसी करूंगा तो मैं आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूंगा, राइट। तो आप कस्टमर को कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करो, बट मैं आपको बताता हूँ 95% केसेस में, मतलब कि अगर 100 लोग ऐसे निकलते हैं जो कि बोलता है मेरे घर में इंश्योरेंस कंसल्टेंट है, तो उसमें 95% केसेस में आपके पास पॉलिसी नहीं आएगी, मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ, ये वाला ऑब्जेक्शन थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की, आई विल कंसल्ट विद माई वाइफ, मतलब कि मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा, फादर से, मदर से पूछ के बताऊंगा। सो आपने क्या बोलना है, वैसे तो मैंने आपको इसका ऑब्जेक्शन पहले ही बता दिया था, बट दूसरा आप क्या बोल सकते हो, सर दिस इज द प्रोडक्ट टू गिफ्ट योर फैमिली, मतलब कि अगर सर आप अपनी फैमिली के लिए एक गिफ्ट के तरीके से अपनी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, तो सर आप बताओ आपकी वाइफ या आपके बच्चे आपको बुरा बोलेंगे क्या। सर मान के चलिए आपको अपनी वाइफ को एक सरप्राइज देना है, ठीक है, सो जिसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए ले रहे हो, तो सर आप ये देखिए कि आपकी वाइफ या आपकी फैमिली के लिए कितना अच्छा गिफ्ट है ये, ठीक है। तो कस्टमर को अगर आप इस तरीके से टैकल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है हो जाए, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करेंगे, आई विल कंसल्ट टू सीए, मतलब कि आपका जो पर्सन है, जो आपका क्लाइंट है, वो बोल सकता है भाई मैं सीए से पूछ के बताऊंगा, तो आप क्या बोलो, सर वो एक टैक्स कंसल्टेंट है, मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ, तो सर वो टैक्स की प्लानिंग कर सकता है कि जो मैं आपका प्रीमियम जमा करा रहा हूँ उस प्रीमियम पे कितना टैक्स बचेगा वो आपका सीए बताएगा, लेकिन उसको इतना नहीं पता कि कौन सा प्लान अच्छा है, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में तो सर आपका डिसीजन होना चाहिए, तो आपकी फैमिली के लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस बेटर है। सर मुझे एक चीज और बताइए, कल को मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आपको 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल में बिल बन जाता है, तो तब भी आप सीए से पूछ के बताएंगे क्या, या आपका सीए 2 लाख रुपए दे जाएगा। तो फिर सर मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सीए जो है टैक्स कंसल्टेंट है,
आपकी टैक्स की प्लानिंग वो कर सकता है, बट आपकी फैमिली की प्लानिंग या इंश्योरेंस की प्लानिंग करने के लिए सर मैं हूँ या आप खुद हैं, डिसीजन आपने लेना है, प्लानिंग करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ सर। जब तक आप इस तरीके से कस्टमर को डील नहीं करोगे ना, जब तक आप अपने क्लोजर तक नहीं पहुंच सकते। सो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताए आपके ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, ठीक है। सो फाइनली आज का जो सेशन है, आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने पूरे एफर्ट्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करी सेल्स प्रोसेस के अंदर। और फाइनली मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपका जो अगले 10 दिनों का 12 दिनों का टास्क है, 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। लोगों की लिस्ट बनाने के बाद आपको डेली बेसिस पे 10 लोगों से बात करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है, सो आप मेरे नंबर पर मेल कॉल कर सकते हो, इवन मेरे को मेल कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और इवन मेरे को ये भी बताइएगा YouTube के ऊपर जाकर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे कि और लोग भी उस कमेंट को पढ़कर वहां पर अपना बेनिफिट ले सकें। फाइनली आप लोगों का एक टॉपिक था जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट की देरी ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप लोग जैसे हमारे WhatsApp ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं, आप सभी के पास हमारी तरफ से कम्युनिकेशन मैसेज मिल जाता है, ठीक है। सो कल सुबह एग्जैक्टली 11 बजे, कल सुबह एग्जैक्टली 11 बजे आपके पास मेल आएगा और आपको WhatsApp पे लिंक भी मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है। पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ आप उसको रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक है। आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा कोर्सिडीज का, ठीक है, जो कि पुष्कर जी का ही प्लेटफॉर्म है कोर्सिडीज का। तो कोर्सिडीज पे आपको एक पर्टिकुलर उस कोर्स के अंदर एनरोल करना है, आपको एक या दो वीडियो उसके अंदर मिलेगी, वो कंप्लीट वीडियो देखनी है और उसके ऊपर आपको जो काम करना है वो देखने के बाद आपको सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा। इमीडिएट बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा अगर आपने वो वीडियोस कंप्लीट कर लेते हो, राइट। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कोर्सिडीज वाला, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट इश्यू होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों का हम सर्टिफिकेट बल्क लेवल में एक साथ इश्यू नहीं कर सकते, राइट। सो फ्रेंड्स, कल तक का वेट कीजिए, कल आपको सुबह 11 बजे सर्टिफिकेशन के लिए लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो कंप्लीट कीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट इमीडिएटली वहां से डाउनलोड हो जाएगा, राइट। सो अगर आपको आज का सेशन या अभी तक जितना भी हमने सीखा है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, सो आप पूछ सकते हो, अपना हैंड रेस कर सकते हो, मैं एक एक करके आप लोगों के आंसर करने के लिए रेडी हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपकी 6 दिन की जर्नी, 6 दिन की ट्रेनिंग कैसी रही। उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि भाई आप किस लेवल तक यहाँ पर अमेज यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना आप यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं चीज़ों को। सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रोशन से, आप यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ रोशन आपको, और स्टार्टिंग से आप बताइएगा कैसे आपकी जर्नी रही और किस तरीके से आपको इन चीजों के बारे में सीखने को मिला, राइट। सर, जर्नी तो बढ़िया थी, सब कुछ इजीली हो गया, मतलब इतना इजी सोचा नहीं था कि हाँ, मुझे भी नहीं लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था 6 दिन काफी लंबे होंगे, बट आप लोगों के साथ टाइम निकालते हुए मेरे को ऐसा लगा यार 6 दिन कब निकल गए। बताइए। और सर मुझे ये पूछना था कि मेरा मतलब जो मेन टारगेट है वो GCV और PCV है। ओके। तो वो सर वो नंबर आप एक बार वापस डिस्प्ले पे शो कर देते हैं उन सर के। कौन से वाला नंबर? सर कल आपने अभिषेक सर के वो किया था नंबर। देखिए मेरा नंबर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में 31 है, 31, ठीक है। हाँ। आप पर 33 कीजिएगा, मतलब कि लास्ट में 333 कीजिएगा, वो अभिषेक का नंबर है। ओके सर। और सर मुझे ये हेल्थ वाले में ये पूछना था कि जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होते हैं, क्या करते हैं टेस्ट का? टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं होते? हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब कि अगर कोई करवाता है तो वो उसमें इंक्लूड होता है या नहीं होता है? जो हेल्थ चेकअप की आप बात कर रहे हैं क्या? ना ना, मतलब कि जैसे कि वो कोई लेडी है, उनके बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर वो टेस्ट ट्यूब के लिए जाते हैं। ओके ओके ओके, समझ गया मैं। मान लीजिए, देखो आप अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होती है अगर किसी भी फीमेल पार्टिसिपेंट या फीमेल इंश्योर्ड पर्सन को, सो देखियो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कंपनियों के कुछ प्लान ऐसे आते हैं जिसमें अगर बेबी नहीं होता तो उससे रिलेटेड इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। यस सर। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सारी कंपनियां इसको कवर नहीं करती, पहली चीज।
जो कंपनी को कवर करती है वो भी आपको स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड के बाद 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कवर करेंगी। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, स्टार हेल्थ का प्रोडक्ट है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर आप जाएंगे तो आपको इनफर्टिलिटी वाला बेनिफिट मिल जाता है, बट वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा कि आपको 1 साल के बाद या 2 साल के बाद उसका कवर मिल जाता है और 1 लाख या 2 लाख का कवर मिलता है ना। सो सारी कंपनियों में वो वाला बेनिफिट नहीं मिलता, बट आप देखो आपका क्वेश्चन आया क्योंकि आपने किसी ना किसी से सुना होगा ये। यस सर, मतलब यूं मैंने यहाँ गांव में रहता हूँ ना, तो यहाँ पे लोगों के थे कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हॉस्पिटल दिखा उसका जाके ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट महंगा होता है, 2 से 3 4 लग जाते हैं। सो उसके लिए देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आपने बात करी तो आपका ऑब्जेक्शन आया, आपने मुझे पूछा तो जेन्युइनली बता देता हूँ कि आप लोगों के अगर मेरे पास क्वेरी आती है इसका मतलब आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो। अगर आपकी क्वेरी नहीं आती इसका मतलब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, मैं तो ये सिंपल समझता हूँ। अगर आप मेरे को डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर रहे हो इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो। अगर आपका मैसेज कॉल नहीं आता इसका मतलब आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पहली बारी में सारी चीजें समझ के सारी चीजों को अप्लाई कर सकूं। मैं खुद भी अगर अपनी बात करूं, अगर मैं कोई नई चीजों में हाथ डालूंगा तो मेरे को भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे को भी 10 बारी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने मेंटर से या अपने ट्रेनर से पूछना पड़ेगा। सो आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको इसका स्टेप उसका आंसर दूंगा, राइट? यस सर। और सर एक और चीज कहनी थी मुझे, सबसे कहनी थी वो ये थी कि मतलब कभी भी जो भी आपका कस्टमर हो उसको मतलब ऐसा नहीं लेना है कि वो नहीं खरीदेगा। जैसे कोई से कुत्ते जो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं उसके कारण क्या होता है अपन भी इंटरेस्ट कम कर देते हैं कि यार ये वैसे भी लेने वाला था नहीं, फिर भी चलो फॉर्मेलिटी कर देते। तो मतलब ऐसा अपन को कभी नहीं करना है, ये सबके लिए मतलब कि आपको अपना पूरा 100% फिर भी देना है। अपना अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ रोशन, अगर आपने बात छेड़ी है तो देखो मैं ऑलरेडी सभी चीजों में काम करता हूँ, मैं एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। मैंने एक क्लाइंट को ना आज से लगभग 4 साल पहले एक प्रेजेंटेशन दिया था। मतलब अच्छे लेवल का क्लाइंट था, एक कंपनी का एमडी था, ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन दिया, बट उन्होंने कहा सर मेरे को अभी जरूरत नहीं है, मैं बाद में डिसाइड करूंगा। बता रहा हूँ मार्च 2021 में क्लाइंट का खुद मेरे पास कॉल आया, कहते यार राहुल आपने ना मेरे को एक प्रेजेंटेशन दिया था, काफी टाइम हो गया, एक बार मेरे को मिलना है, आप मेरे पास आ जाओ ऑफिस। मैं ओखला दिल्ली के अंदर पड़ता है, दिल्ली के अंदर ओखला में उनके ऑफिस गया, एमडी थे तो ऑफिस मेरी, वहां पर जाके रिस्पेक्ट हुई, चाय पानी हुआ, उनके कैबिन में गया, प्लान समझाया, उन्होंने मेरे को इमीडिएटली बोला कि भाई मेरे से डॉक्यूमेंट ले जाओ और मेरा प्लान कर दो। आप यकीन नहीं करोगे मैंने पता कितने का प्लान किया, कितने का? 6 लाख रुपए का प्रीमियम किया मैंने उनका एक ही बारी में, और मेरे को उस पर 2 लाख रुपए की सेविंग, मतलब 2 लाख रुपए की कमीशन बची है। मैं कह रहा हूँ आपके एफर्ट्स कभी भी खराब नहीं जाते। अगर आज एक बार प्रेजेंटेशन दी है ना अपने डेडिकेशन, अपने 100% एफर्ट्स के साथ, जैसे कि रोशन ने बोला, सो हो सकता है कल को वही कस्टमर 6 महीने बाद आपके पास रिवर्ट वापस आए और आपको बोले यार मेरे को जो आपने प्लान समझाया था वो प्लान कर दो, और ये प्लान आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो रेगुलर एफर्ट्स, हाँ, आपके एफर्ट्स कहीं भी खराब नहीं जाते, क्योंकि अपन देखते कहीं केस की उसको सही में उस टाइम जरूरत नहीं होती, पर आपने कॉल किया तो वो आपकी बात सुन रहा है। पर आप सोच कि नहीं इंटरेस्टेड है, छोड़ो ना, हल्के में ले लेते हैं, और आप पूरा एक्सप्लेन करते हो तो भविष्य में उसे कभी भी नीड आती है तो आपको कॉल करेगा। मान लो आप लोगों को मैंने अपने साथ एसोसिएट किया, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और मैं अगर अपने मतलब ढंग से आपको समझा ना पाऊँ या फिर आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करूँ तो आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। कि आप भी सोचोगे यार मैंने चलो एनरोल किया, मेरे पैसे तो लगे नहीं, तो कोई बात नहीं, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। बट मैं अगर बोलता हूँ अगर मेरा डेडिकेशन आपके लिए 100% है तो आपका भी डेडिकेशन मेरे लिए होना चाहिए। यस सर। काम के लिए होना चाहिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है ये दोनों साइड से होता है, आपकी साइड से भी होगा, मेरी साइड से भी होगा, तभी हम जीत पाएंगे, आप लोग तभी आगे बढ़ पाओगे, राइट? सो थैंक यू रोशन, थैंक यू सर। मुझे काफी लोगों के नाम ऐसे याद हो गए हैं, जैसे कि हमारे रॉय साहब हैं, मैं अभी बात नहीं किया हूँ फेस टू फेस, बट रॉय साहब को मैं हमेशा याद रखता हूँ। यस योगेश जी, योगेश को भी याद रखता हूँ, योगेश के आज भी व्हाट्सएप पे बात हुई थी। यस योगेश बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा था राहुल भाई कि समझाता तो आप बहुत बढ़िया हो,
एकदम जी आसानी से समझ। कुछ कुछ जी क्वेश्चंस थे यार, कुछ ऐसा लिख रखे थे। सही सर, बताइए। जैसे कोई पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट हो गया तो सारी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, आपका इंश्योरेंस देखो हो गया, सब पे उनका रेट सेम होता है? सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको सभी कंपनी का प्रोडक्ट का रेट सेम मिलेगा। एग्जांपल, अगर आप इंश्योरेंस देखो पे ऑप्टिमा रिस्टोर देख रहे हो और पॉलिसी बाजार पे ऑप्टिमा रिस्टोर देख रहे हो, तो आपका पूरा प्रीमियम सेम होगा, ठीक है। बट अगर आप मोटर इंश्योरेंस की बात करें तो आपका प्रीमियम डिफर होगा। उसका रीजन क्या है कि वहां पर ना एक्चुअली डिस्काउंट चलता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी बाजार पुराना पोर्टल है तो वहां पर कंपनी उनको ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है, ठीक है। दूसरी चीज, पॉलिसी बाजार डायरेक्टली क्लाइंट को सेल कर रहा है, इंश्योरेंस देखो आपके थ्रू क्लाइंट को सेल कर रहा है, मतलब कि आप लोग इन्वॉल्व हैं, एडवाइजर इन्वॉल्व है, तो एडवाइजर को भी पे आउट कमीशन देना होता है, ठीक है। तो कंपनी अपनी जेब से तो देगी नहीं, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट से वो चार्ज करता है, मतलब कि क्लाइंट को थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है, तभी उसमें से आपको थोड़ा सा कमीशन मिलता है, ठीक है। सो पॉलिसी बाजार में और हमारे में मोटर इंश्योरेंस में डिफरेंस आएगा, हेल्थ इंश्योरेंस में डिफरेंस नहीं आएगा, ये चीज। अच्छा, तो मैं जैसे बेसिकली अभी हेल्थ इंश्योरेंस का ही करूंगा, तो इसके अंदर कस्टमर ये कह सकता है कि जी सर मैं खुद कर लूंगा अपना बुक, आपने आप रहने दो, या फिर मैं पॉलिसी बाजार से कर लूंगा, तो उस टाइप पे क्या करना होता है, क्या कुछ देखो कहें? पॉलिसी बाजार से करने पे क्लाइंट को आप एक ही चीज बोल सकते हो कि सर आज चलो आप अपना ऑनलाइन पॉलिसी ले लोगे, आपका कोई भी एडवाइजर नहीं है, बट कल को अगर आपको प्रॉब्लम आएगी क्लेम से रिलेटेड, तो क्या पॉलिसी बाजार को कितनी बार कॉल करोगे, कितनी बार आप फॉलो करोगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैसे आपको वो प्रोसेस कराएंगे। इवन अगर मैं बैठा हूँ सर, आपका एडवाइजर हूँ मैं, तो सर मैं आपको यही बोलूंगा कि आपकी जो पॉलिसी है, तो आपका अगर कोई भी क्लेम आता है जेन्युइन क्लेम, तो सर मैं बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप कंपनी से क्लेम ले सकते हो। तो उसके लिए देखो, आज मैंने जैसे बोला कि हमें बिजनेस खोल के बैठना है, बिजनेस करना है, तो एक दिन में आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्लेम प्रोसेस क्या है, कैसे क्लेम लेना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आप धीरे 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 जब लोगों से एक्सपीरियंस लोगे, बात करोगे, कोई चैलेंजेस आएंगे, तो आपको एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। एक दिन में तो मैं भी नहीं सीख पाया था इंश्योरेंस को, मेरे को भी 3-4 साल लगे थे चीजों को अंडरस्टैंड करने में, है ना। तो चीजें ये होती हैं सर। अच्छा, एक चीज और थी सर, जैसे हाँ जी कस्टमर एक ये था आपने बताया था, पर थोड़ा सा और बता दो कि कस्टमर कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है या फिर मेरे पास ऑलरेडी मैं कुछ ले रखा है, उसको कैसे पिच करें आप कि हमारा प्रोडक्ट बिल। देखिए, अगर कस्टमर ने ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रखी है, तो पहली चीज आप दो तरीके से काम कर सकते हो उस कस्टमर के साथ। पहला तरीका क्या है कि आप कस्टमर से डिटेल ले लीजिए कि चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, आपने पॉलिसी ले रखी है, तो सर पहली चीज मेरे को आप अपनी पॉलिसी कॉपी भेज दीजिए, जिससे कि मैं आपको टाइम से रिमाइंड करा सकूं, ठीक है। तो आपने अपनी डायरी पे या एक्सेल शीट पे या कैलेंडर पे उसका डिटेल डाल दिया, जिससे कि आप कस्टमर को टाइमली 10-15 दिन पहले आपने रिमाइंड करा दिया, ठीक है। एक तो तरीका ये हो सकता है जिससे कि आपने कस्टमर की पॉलिसी कॉपी अपने पास व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे मंगा लिया, ठीक है। सो आपका कस्टमर के पास डिटेल आ गई। अब जब कस्टमर की पॉलिसी होनी है रिन्यूअल, मान लीजिए नवंबर में होनी है, तो कस्टमर को आपने नवंबर में अक्टूबर में कॉल किया, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि सर जो आपकी पॉलिसी है उससे बेटर प्लान आपको इस टाइम पे हमारी दूसरी कंपनी दे रही है, जिसका प्रीमियम भी सेम आ रहा है, क्योंकि सर आपको पता है कि हर 1-2 साल के अंदर प्लान रिवाइज होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कंपनी ऐड करती है अपने प्लान में, तो सर आपका जो प्लान है उसके बेनिफिट्स पुराने हो चुके हैं, तो सर मैं आपको नए प्लान वाला बेनिफिट जिसमें आपको लगभग सेम प्रीमियम देना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप कस्टमर को दूसरी कंपनी का प्लान बता के उसको पोर्टेबिलिटी सजेस्ट कर सकते हो, अगर वो प्लान जेन्युइन है, मतलब कि पहले कोई अच्छा प्लान नहीं है और आप उसको अच्छा प्लान सजेस्ट कर रहे हो, तभी करना। ऐसा नहीं है आपको कस्टमर ने पहले से ही मैक्स का रीअश्योर प्लान लिया हुआ था, जो कि इंडस्ट्री का बेस्ट प्लान है, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो कि यूनिवर्सल सोम्पो ले लो, तो उसको हमें गलत गाइड नहीं करना, उसको हमें जेन्युइन गाइड करना है। अगर बेटर उसके बेटरमेंट के लिए है तो ही गाइड करना है, अदरवाइज गाइड करेंगे तो कल को हमारे को वो गलत बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आप उसको टॉपअप सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पोर्टल के ऊपर आप देखोगे किसी ने 5 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि सर आपने 3 लाख की पॉलिसी ले रखी है, अपना जो रिस्क कवर है उसको इंक्रीज करा सकते हो टॉपअप प्लान लेकर। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग, मतलब कि आप किसी कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि सर मिनिमम प्रीमियम देके आप अपना रिस्क कवर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। सो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से आप ये डील कर सकते हो। अच्छा, एक टैक्स बेनिफिट और बता दो यार कि टैक्स में कैसे बेनिफिट मिल जाते हैं।
सर टैक्स में बेनिफिट ऐसे होता है, मान लीजिए कोई कस्टमर है जो कि अपना बेसिक प्रीमियम, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना बेसिक 20,000 का पे कर रहा है, ठीक है, और आपका आप ही के एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लेते हैं आपकी जो सैलरी है या आपकी जो इनकम है 8 लाख रुपए की है साल की, है ना, 8 लाख रुपए की इनकम वाले पर्सन के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको 20% टैक्स स्लैब में, आपको 20% टैक्स में आएगा आपका, ठीक है, इनकम टैक्स। तो यहाँ पर अगर आपको 20% का टैक्स स्लैब लग रहा है तो आप 20,000 पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है 20,000 का 20% 4,000, तो आपको 4,000 रुपए की टैक्स की छूट मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाओगे। एक बार और बताना यार लास्ट में। सर मैं दोबारा बता देता हूँ, मान लीजिए आपका 8 लाख रुपए की आपकी इनकम है साल की, ठीक है, और गवर्नमेंट के हिसाब से आप 20% टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं इनकम टैक्स में, है ना, और आप साल का 20,000 का प्रीमियम पे किया, तो अगर आप 20% के अंदर आते हैं, साल का 20,000 पे किया, तो 20,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो 20% से, तो 4,000 आ जाएगा, तो 4,000 आपका टैक्स सेव हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इंश्योरेंस का जो ये होता है इसके अंदर नहीं लगता, मतलब टैक्स वैक्स में गिना नहीं लगता। इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट आपकी जो इनकम थी 8 लाख रुपए की, उस इनकम को 8 लाख से घटा के 20,000 कम कर देगी, 7,80,000 कंसीडर करेगी गवर्नमेंट, आपकी जो टैक्स होगा 7,80,000 पे टैक्स लेंगे। तो सात एक एक सरकार का और रूल है, जैसे 5 लाख से कम जिसकी भी इनकम है उसका टैक्स नहीं लगता है। तो मान लो किसी की इनकम अगर 5 लाख है, उसको मैं कहूँ कि सर इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा कि आपकी इनकम, फिर अब मान लो 20,000 का आपने प्रीमियम पे किया, तो अब आपकी इनकम 5 लाख साल का नहीं रहेगा, ये आपका 4 लाख हो जाएगा। उसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट इससे ज्यादा अगर कोई पर्सन है जिसकी हायर सैलरी है तो उसके लिए टैक्स स्लैब हो सकता है, मतलब उसके लिए टैक्स बच सकता है। 5 लाख तक के लिए आप तो नील कर दिया गवर्नमेंट ने, नहीं 5 लाख से ऊपर है किसी का, हाँ 5 लाख से ऊपर है तो मान लीजिए 5% का अगर टैक्स लेव आता है तो 20,000 पे 5% 1,000 रुपए का टैक्स सेविंग हो जाएगी उसकी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं जी मेरे, बताओगे तो? हाँ बताइए बताइए। एक तो आपने व्हाट्सएप पे ये डीपी लगा रखी है अपनी, उसमें अलग अलग की, वो क्या कॉन्टेस्ट? हाँ मैं आपको वो बता देता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट लॉन्च हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मैं ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है कि अगर आप 1 अप्रैल से, मतलब कि पुराना जो टाइम है वो निकल गया, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, मतलब कि अभी हमारे पास 3-4 महीने हैं अप्रोक्सीमेटली, अगर आप अपना बिजनेस करते हो 5 लाख रुपए का, अपना बिजनेस करते हो 10 लाख रुपए का, तो आपको कमीशन के अलावा यहाँ पर कुछ कैश रिवॉर्ड्स या फिर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वहाँ पर एसी है, या फिर एसी के अलावा आप क्या कहते हैं मोटर बाइक है, या फिर आपको कार का भी एक कॉन्टेस्ट मिल रहा है। सो अगर आप वो कॉन्टेस्ट अचीव करना चाहते हो, उतना बिजनेस अगर आप करते हो 30 सितंबर से पहले, तो वो कॉन्टेस्ट आपको कमीशन के अलावा वो बेनिफिट भी मिल जाएगा, ये चीज है। अच्छा, टोटल मतलब प्रीमियम, जैसे 2.5 करोड़ पे गाड़ी मिल रही है तो 2.5 करोड़ का प्रीमियम ले, 2.5 करोड़ का प्रीमियम आपने अगर 30 सितंबर तक कर दिया तो कंपनी आपको कमीशन तो देगी देगी, प्लस आपको यहाँ पर कार भी देगी, गाड़ी भी देगी आपको। अच्छा जी, ठीक है। और अभी एक कॉन्टेस्ट और आया हुआ है इसी महीने के लिए, जैसे अगर आप बहुत नॉमिनल सा है वो तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को करना चाहिए, 15,000 रुपए का अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं जीएसटी हटा के, यहाँ पर बेसिक प्रीमियम के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है। 25,000 का अगर हम प्रीमियम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो 1,000 का कैश रिवॉर्ड है, और अगर हम 45,000 का बिजनेस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो आपको 2,000 का कैश रिवॉर्ड है, जो कि कमीशन के साथ आपको साथ में मिल जाएगा हर महीने, मतलब नेक्स्ट मंथ में। तो 30 जून तक अवेलेबल है ये वाला कॉन्टेस्ट। अच्छा जी, मैं एक चीज और पूछ रहा था कि जैसे कोई ऐसे मेरे को प्लान बता दो, अपना 6-7 प्लान जो टॉप के हों, जैसे कस्टमर से बात कर रहे हो तो हमारे दिमाग में उसको रट ले, मतलब 6-7 प्लान ऐसे होने चाहिए जो रटे हुए हों दिमाग में। मैं आपको बता देता हूँ, HDFC का ऑप्टिमा रिस्टोर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, मैं लिख ही रहा हूँ जी सर। हाँ जी, HDFC का ऑप्टिमा रिस्टोर, मैक्स का रीएश्योर या कंपेनियन, दोनों प्लान अच्छे हैं, आदित्य बिरला का डायमंड, ठीक है, मणिपाल का प्रो हेल्थ, किसी को सस्ता प्लान देना है तो आप यूनिवर्सल सोमपो दे सकते हो, ठीक है जी, आप स्टार का कॉम्प्रिहेंसिव, अगर कोई कहता है मेरे को मतलब स्टार कंपनी में लेना है और अच्छा प्लान लेना है तो कॉम्प्रिहेंसिव,
फैमिली का प्लान लेते हैं तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा जिसको हम FHO बोलते हैं, स्टार का यंग स्टार 40 साल तक की एज के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका बचा यहाँ पर, सर केयर कंपनी का, केयर इंश्योरेंस कंपनी का केयर प्लान, ठीक है। तो ये 7-8 मैंने मैंने 8-9 प्लान के नाम बता दिए। सो ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जिसमें हम कस्टमर को सजेशन दे सकते हैं कि सर ये वाले प्लान बेटर है, ठीक है जी। आपके यूट्यूब चैनल पे कुछ प्लान भी है, सही वो वीडियो देख करके सारे रट लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ से आपको प्लान देखिए, उसको रट लीजिए, अदरवाइज प्लान का ब्रोशर निकालिए, उसको समझ लीजिए, ठीक है। देखो क्योंकि क्या होता है, जब मैंने वीडियो बनाई होगी, हो सकता है उस टाइम पे वो वाले पॉइंट चल रहे हो, और हर बार ना कुछ नया नया धीरे धीरे पॉइंट चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, है ना। तो उसको देख के भी आप समझ सकते हो, मोटा मोटा समझ आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू। नीलेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यस बताइए आपका क्वेश्चन। रोशन जी आज की लास्ट क्लास है, जैसा कि आपको बताया था 6 दिन का ट्रेनिंग होगा, सो आज के बाद आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपने कोई भी सेशन मिस किया तो आप हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर जाके देख सकते हैं। यस बताइए नीलेश जी, बताइए। हेलो सर जी, बोलिए सर। मेरी क्लाइंट आईडी नहीं आई, बोला। देखिए क्लाइंट आईडी ना आप लोगों की, मैक्सिमम लोगों की आ चुकी है आपके पास ना। हाँ जी सर, मेरी टीम की तरफ से मैसेज भी गया होगा, अगर अभी नहीं आया तो होपफुली 1-2 दिन में आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कीजिएगा, या तो मेरे को या मेरी टीम को, मेरी टीम में जो ऑपरेशन देखता है वो प्रिया है, ठीक है। मेरा नंबर 1 है लास्ट में, उनका 6 है, ठीक है। सो लास्ट में मेरा नंबर 31 है ना, मोबाइल नंबर उनका 36 है। अब 36 पे प्रिया को कॉल कर लेना कल सुबह, क्योंकि उनका ऑफिशियल टाइम 10 बजे से लेके 6 बजे तक होता है। 10 से 6 के बीच में कभी भी कॉल करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप उनको बोलिएगा कि मेरा चेक करके बता दीजिए, मेरा कोड जनरेट नहीं हुआ, या तो कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग होगा, ठीक है, या हो सकता है आपका कोड आ गया होगा, आपको मैसेज गया होगा, आप देखेंगे, देख नहीं पाए होंगे, है ना। तो कुछ भी होगा तो आप चेक करिएगा वहां जाके। और सर मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की कम से कम 5 कंपनी के कोटेशन बता दीजिए जो सिंपल है। कोटेशन बता दो मतलब? 5 कंपनी के बारे में जो सभी के लिए, कोविड के लिए भी अवेलेबल हो सकते हैं। सर अभी मैंने जो प्लान बताया ना अभी इससे पहले, हाँ, तो सारे प्लान कोविड कवर करते हैं, किसी में 15 दिन है, किसी में 30 दिन है। हाँ, हो गया सर। पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आपको एग्जैक्ट प्रीमियम, लोकेशन के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम होता है ना, तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप तो आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर देना, मैं हेल्थ इंश्योरेंस वाली वीडियो आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप देख के दोबारा से चेक कर सकें उसको। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। राजेश शर्मा जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यस बताइए आपका क्या क्वेश्चन है सर। जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए सर। बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा से भेजेंगे सर, बल्क मैसेज का क्या है सिस्टम, बोल रहे थे ना आप बल्क मैसेज भेज सकते हो एक साथ में कितने लोगों को। देखिए बल्क मैसेज में ना अगर मैं बात करूं तो आपके घर के आसपास या आपके कोई भी लोकेशन में, ठीक है, या फिर इंटरनेट पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बल्क मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो बल्क मैसेज प्रोवाइड करने के लिए आप उन लोगों से बात करो, उनको बोलो कि भाई मेरे को डाटा भी चाहिए। तो डाटा के लिए जब आप बल्क मैसेज परचेज करते हो तो डाटा के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो उसी बल्क मैसेज की कॉस्ट में आप डाटा भी दे देते हैं, और आपने मान लीजिए डेली का आपने 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का, जो भी आपका बजट है, आपने बोला कि भाई मेरे को इतने बजट के हिसाब से डेली मैसेज भेजने हैं, ठीक है। सो आप उनको या तो उनको बोल सकते हो, या आप उनका खुद का पोर्टल होता है, उनका पोर्टल समझने के बाद आप अपना मैसेज भेजना शुरू कर सकते हो, ठीक है। बट उसमें शायद लिमिट होती है कि आप 160 करेक्टर या 140 करेक्टर भेज सकते हो एक मैसेज के अंदर, एक क्रेडिट आपको उसका मिलता है ना। तो उसके लिए आप किसी भी सर्च डाटा प्रोवाइडर को या किसी भी बल्क मैसेज प्रोवाइडर को आप सर्च कर लीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड, गूगल से मिल जाएगा ना सर? गूगल से मिल जाएगा, बट मेक श्योर वो जेन्युइन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पैसे ले लेते हैं बट आपको सर्विस नहीं देते। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कंपनी जेन्युइन है नहीं है, कितने टाइम से वो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद ही उनके साथ डील कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, है ना।
जी सर, आपके पास अगर इसके रेफरेंस कुछ रहेगा तो आप ऐसे कुछ लिंक भेज दीजिएगा। मेरे पास है वैसे एक दो लोगों के नंबर हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ठीक है, आप बात कर लेना मेरा रेफरेंस लेके, क्योंकि मैंने 3-4 साल पहले कभी सर्विस लिया था, तो हो सकता है आपको वो गाइड कर दें प्रॉपर, ठीक है ना। तो आप एक वन और मैं जा रहा हूँ, टर्म इंश्योरेंस क्या है सर? देखिए टर्म इंश्योरेंस, आपने टर्म इंश्योरेंस के बीच में बात किया ना, टर्म इंश्योरेंस का होता है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब कि कोई पर्सन अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए अपना टर्म इंश्योरेंस कराता है, और उस पर्सन की कोई अचानक डेथ हो जाती है, जैसे अभी कोविड के टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, तो उस केस में नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट मिल जाता है। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी, 50 लाख की पॉलिसी ली थी, तो अगर कोई भी पर्सन डेथ करता है तो कंपनी की तरफ से उसे 50 लाख या 1 करोड़ रुपये मिल जाता है इमीडिएट बेसिस पर। सर मैं बोल रहा था कि इसमें नेचुरल डेथ के डेथ भी इंक्लूड रहता है सर, इसमें बस ऐसे ही एक्सीडेंटल? नहीं नहीं, टर्म इंश्योरेंस में नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों कवर होते हैं। ओके सर, ठीक है सर। और भी मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ बताइए ना, बताइए आप करेक्ट ना क्वेश्चन। और सर जब मैं फेसबुक वगैरह या यूट्यूब पे हम लोग जो अपना एडवर्टाइज डालते हैं, तो वहाँ पे पूरा एडवर्टाइज दिखाने के बाद वहाँ का गेट क्विट्स, तो मतलब हम क्यूट्स देते हैं ना, कहाँ से वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मतलब अपना पेज ओपन होता है सर, तो वो जनरेट कैसे करेंगे सर, हम कैसा बना सकते हैं वो पेज लिंक? आप लैंडिंग पेज की बात कर रहे हैं, लीड बनाने की बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है आप समझ नहीं रहे हैं। मैं बोल रहा था जैसे सर अभी हमें पॉलिसी बाजार का देखते हैं ना सर हम, मतलब अभी समझ लो हमारे फेसबुक पे ऐड आया पॉलिसी बाजार का। अच्छा तो समझ गया। वहाँ पर आता है, वहाँ पर आपका ऑप्शन आता है गेट कोटेशन या फिर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, तो जैसे आप उस पे क्लिक करते हो कंपनी के ऊपर ले जाता है ना, ऐसा ही कुछ। देखिए वो ना वो एक्चुअल क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, मतलब कि डायरेक्ट उनको पॉलिसी के लिए एजेंट नहीं चाहिए, उनको डायरेक्ट क्लाइंट चाहिए, तो उनको हम इस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, वो लोग करते हैं। बट हमारे लिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्या है, क्योंकि कंपनी हमें यहाँ पर कमीशन, हमें यहाँ पर पे आउट दे रही है, तो हम इस तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या चाह रही है कि हमारा जो प्रोडक्ट सेल हो वो एडवाइजर के थ्रू, ठीक है, तो कंपनी हमें इस तरीके की सर्विस के लिए अलाउ नहीं करती, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिंक वगैरह जनरेट करके यहाँ पर पॉलिसी के ऊपर बाय नहीं करा सकते। अगर मान लीजिए कुछ करते हैं मार्केटिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ पर आप कस्टमर की लीड जनरेट कर सकते हो, उनका नाम नंबर वहाँ पर नोट करा सकते हो, और उसके बाद उसको कॉल करके कन्विंस करके पॉलिसी दे सकते हो। हम डायरेक्ट नाम नंबर नोट करवाने के लिए हमको कुछ तो लिंक देना पड़ेगा ना सर? नहीं नहीं, आप कॉल कर सकते हैं। जब आप फेसबुक पे लीड जनरेशन करते हो तो लीड फॉर्म वहाँ पर एक ऑप्शन होता है, जो मैंने फेसबुक वाली वीडियो में सिखाया हुआ है, अपनी वाली वीडियो में ना। आप अगर सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब पे जाइएगा, फेसबुक की एक वीडियो मिलेगी, वहां पर मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लीड जनरेशन के लिए फॉर्म वगैरह बना के अपनी लीड जनरेट कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे मतलब मेरे पिताजी है, उनका इंश्योरेंस से रिलेटेड था, तो उनका आज से 2014 में उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, वॉल चेंज हुआ था। हाँ जी, तो मैं उनके लिए चाहता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस लूँ कुछ, आप स्टार हेल्थ के अंदर एक प्रोडक्ट आता है कार्डिक केयर, जो कि ऑफलाइन होता है, तो आप कार्डिक केयर प्लान ले सकते हो, लेकिन उनके लिए हम 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी कर सकते हैं, इससे ज्यादा का सम इंश्योर नहीं दे सकते, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि किसी को अगर ऑलरेडी बीमार, 3 लाख 4 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को मान लीजिए, क्योंकि वो क्रिटिकल इलनेस में आता है, ठीक है, बट स्टंट डले हुए हैं, मतलब उनको क्योर हो चुका है, तो कंपनी उनको क्लेम, सॉरी पॉलिसी दे देगी, बट उसका प्रीमियम थोड़ा हायर साइड आता है, और वो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, उसमें पूरे किसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो स्टार हेल्थ का एक कार्डिक केयर करके प्लान आता है, आपको जो मैंने रेडी रेकनर दिया था, उस रेडी रेकनर में जाके आप उसका सिंगल पेजर या फिर वो ब्रोशर डाउनलोड करके उसका बेनिफिट दे सकते हो, ठीक है, वो चीज है। तो अगर उसको सर इसमें कवर करेगी कंपनी तो कितना साल, कुछ साल का फाउंडेशन है, 1 साल 2 साल या कैसा कुछ डायरेक्ट? हाँ, उसमें आपका 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद कवर करेगी कंपनी उसमें आपको। हाँ जी, यही सब पूछना था, बाकी भी बाकी कोई दिक्कत है आप, आपके पास थैंक यू सर, तो बात कर लीजिए कभी भी, व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। राजेश शर्मा जी का हो गया है, कन्हैया जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। हेलो, आवाज जा रही सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
हाँ सर, ये पूछ रहे थे हम कि हेल्थ इंश्योरेंस में जैसा प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, तो उसमें अगर कैशलेस होता है तब तो वो हॉस्पिटल ही अप्लाई करेगा, अप्रूव होगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन जब वो प्री और पोस्ट करेगा तो उसको बिल्स वगैरह आपने बोला कि सेंड करना होता है, उसके बाद पेमेंट आता है। हाँ जी। तो वो बिल्स वगैरह सर वो कैसे सेंड करेगा, कस्टमर वो खुद से कर लेगा कंपनी से कॉन्टेक्ट करके, या फिर अपना समय उनको उसमें देना होगा? वो मेरे देखो आज की डेट में क्या है, पहले कोविड से पहले क्या होता था, कस्टमर को वो सारे बिल्स वगैरह इकट्ठा करके एक क्लेम फॉर्म वगैरह फिल करके कंपनी को सबमिट कराना होता था अपने लोकल ब्रांच में। ठीक है, मान लीजिए बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, ठीक है, या फिर कहीं और भी किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में, तो वहाँ पर लोकल ब्रांच में जाके या फिर कंपनी के एड्रेस पे कोरियर कराना होता था। बट अभी क्या सिचुएशन देखते हुए सारी कंपनियों ने अपना क्लेम फॉर्म ऑनलाइन कर दिया, मतलब कि आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, जैसे एग्जांपल मैक्स का, एचडीएफसी का, वहाँ पर आपको क्लेम फाइल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको कस्टमर की पॉलिसी नंबर डालनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है, ओटीपी वगैरह आएगा, मतलब दो तीन डिटेल डालनी होती है। ठीक है, उसके बाद वो ओपन हो जाएगा क्लेम फॉर्म, आपको कस्टमर से वहाँ पर डिटेल पूछेगा कि कौन से हॉस्पिटल में थे, डिस्चार्ज टाइम क्या था, एडमिशन का टाइम क्या था, एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो सब अपलोड कर दीजिए, प्रोसेस कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपका क्लेम अब सबमिट हो जाएगा, 15-20 दिन के अंदर आपके पास उसका पैसा आ जाएगा। सो पहले थोड़ा सा टिपिकल होता था, अब ये ऑनलाइन हो गया तो बहुत ईजी हो गया, कस्टमर खुद भी कर सकता है, या अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसके बिहाफ पे आप लोग भी कर सकते हो। जी ये चीज है, ठीक है, ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी, वैसे अगर नॉलेजेबल पर्सन है तो उनको हम खुद से बता देंगे तो खुद से कर लेंगे। देखो अगर वही मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा वो सिस्टम कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखते हैं तो खुद कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो वो आपके थ्रू करा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप कर दें, मेल कर दें, और आप उसके बिहाफ पे सबमिट कर दीजिए, है ना, ये हो सकता है। ठीक है सर, और आपने बोला कि वो वीडियो जो पर्टिकुलर प्लान का किसी कंपनी का वो आएंगे ट्रेनर, वो प्लान के रिगार्डिंग हम लोग को ट्रेन करेंगे। हाँ, वो एक्चुअली क्या बीच बीच में होती है ट्रेनिंग, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम और डेट नहीं होता। सो जैसे जैसे कंपनी का कोई भी ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आएगा तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आपको उसका प्लान के बारे में और अच्छे से डिटेल मिल जाएगी। जी, ये मैं करना चाहता हूँ इसीलिए। नहीं, वो तो आपके लिए क्या सभी के लिए बेनिफिशियल है, मेरे हिसाब से सभी करना चाहिए, है ना। मैं स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ प्लान पर जितना, बट एक चीज हाँ वो चीज है, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा। देखो मैं आपको पहले ही बोल के चल रहा हूँ, उसका आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो वहां पर जो ट्रेनर है उनको ये रहता है कि भाई देखो वो लोग जॉब पर है, कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं, सो वो लोग अपनी ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग नहीं देते। सो आपको यहाँ पर हमारी तरफ से ट्रेनिंग मिल रही है, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, बट उस वाले ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिलेगा। सो कोशिश कीजिएगा जब भी आपको शेड्यूल मिलता है तो आप उसको अटेंड कर लें, अगर आप सीखना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू कन्हैया, थैंक यू। यस रॉय साहब, अभी मैं आप ही को याद कर रहा था, बताइए। थैंक यू सर। सर एक बात है कि जो हम लोग का जो पॉलिसी का रेट है वो पॉलिसी बाजार के साथ सेम है ना, कम है ना, ज्यादा है? सर अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया था थोड़ी देर पहले, हेल्थ इंश्योरेंस में सेम रहता है, मोटर इंश्योरेंस में डिफरेंस हो सकता है। ओके, वही है कि कमीशन, वहां पर आपको कमीशन देने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी बाजार डायरेक्ट सारा बिजनेस अपना कंपनी के कोड में करता है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एडवाइजर के थ्रू हो रहा है, तो एडवाइजर को पेआउट्स कमीशंस देना पड़ता है, कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पर कस्टमर सॉरी कंपनी को एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ओके, सेम है दोनों कंपनी पे। और एक सर क्वेश्चन है कि मैं एक बिजनेस में छोटा दूसरा बिजनेस करना चाहता हूँ, जो कार वॉश का, तो उसमें अगर मैं एक ऑफिस बना लूँ इंश्योरेंस के लिए और ग्लोसाइन वगैरह लगा दूँ तो कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है कंपनी के साइड से? नहीं, कंपनी की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कहीं भी मार्केटिंग करने में। हाँ। सिर्फ आप इंश्योरेंस देखो का लोगो यूज नहीं कर सकते, इंश्योरेंस देखो का लोगो, क्योंकि ब्रांड है ना, आप एप्पल है, ठीक है, आप कोई भी कंपनी है, वो अपना ब्रांड यूज करने के लिए आपको ब्रांडिंग के लिए लोगो नहीं देंगे, आप अपना लोगो पोस्टरिंग तो कर सकते हैं सर, पोस्टरिंग तो करते हैं, जैसे हाँ पोस्टर कर सकते हैं, पोस्टरिंग करते हैं, राइट वो तो कर सकते हैं। हाँ, आप इंश्योरेंस देखो का मत लगाइए, आप एचडीएफसी का इनका इनका बैनर बनाना चाहते हैं, आप बाकी
आपका डायरेक्ट कोड लगा, डायरेक्ट बैनर लगा के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर सबसे ज्यादा लीड मिलने के लिए कौन सा मार्केटिंग ये अच्छा है प्रोसेस? सर देखो अगर मैं बात करूँ ना तो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। देखो हो सकता है किसी के लिए रेफरेंस वाला जो मार्केटिंग है वो बेस्ट हो, किसी के लिए हो सकता है उसने फेसबुक पे ट्राई किया फेसबुक से अच्छा लीड आ रहा हो, कोई हो सकता है जो यूट्यूब पे बनाया यूट्यूब से लीड आ रहा हो, है ना। तो यूट्यूब आप नीचे गूगल फॉर्म दे सकते हो और गूगल फॉर्म से आपके पास कस्टमर की लीड आ जाएंगी। एंड में आप बोल दो कि भाई आपको अगर जैसे आपने देखा होगा हम लोग भी यहाँ पर बोल देते हैं कि भाई आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो गूगल फॉर्म भर के आप यहाँ पर अपने डिटेल ले लीजिए, है ना। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन के कि कौन पर्सन का कहाँ से लीड ज्यादा आता है। सो किसी के स्पेसिफिक नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए बल्क मैसेज बल्क एसएमएस करके लीड्स आ जाता है, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल जब मैंने बल्क मैसेज वाला स्टार्ट किया था, सो मैंने 10,000 रुपए की मार्केटिंग कराई, 10,000 रुपए का मैंने बल्क मैसेज किया और मैंने उसको बोल दिया यार 10,000 रुपए मेरे को खर्च करना है। यकीन नहीं करोगे मैंने 10,000 का मार्केटिंग करके 6 लाख रुपए का बिजनेस किया था। एक कस्टमर से मेरे को एक मिला 3 लाख रुपए का, वहां से 1 लाख रुपए कमाया। तो मार्केटिंग का तरीका हो सकता है अलग अलग हो लेकिन रेगुलर चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है मैंने आज मैसेज कर दिया मैं शांत हो गया। अगर आप मार्केटिंग बजट बना रहे हो तो मार्केटिंग बजट शुड बी इन प्रॉपर फॉर्म। अगर आप देखते हो बड़ी बड़ी कंपनी है वो मार्केटिंग बजट बनाती है और तभी क्योंकि उनका रेगुलर मार्केटिंग हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज मार्केटिंग हो गया नहीं शांत हो गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज है। ओके सर थैंक यू। ओके थैंक यू रोय साहब, थैंक यू। यस अब्दुल जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए आपका क्या क्वेश्चन है सर। हाय सर थैंक यू फॉर मीटिंग। मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी हमारे नाम पे हम अकाउंट बना रहे हैं तो हम अपने लिए भी पॉलिसी कर सकते हैं ना खुद का? हाँ जी हाँ जी, आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए जिसका भी आपका रिक्वायरमेंट है वो भी पॉलिसी कर सकते हो, आपको उसका भी पे आउट मिलेगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ओके सर, उसके रिगार्डिंग मैं आपको कॉल कर सकता हूँ ना, मतलब मेरे लिए? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। राइट सर थैंक यू। ठीक है, बाकी आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा अब्दुल जी? सर ये एक्चुअली मुझे आई ओपनिंग सेशन था, मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो देख के सोच रहा था मुझे सब कुछ पता है। मतलब ये 6 डेज में ना मेरा पूरा थिंकिंग प्रोसेस चेंज कर दिया आपने। अरे वाह थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं जीरो से स्टार्ट किया हूं अभी ऐसे लग रहा है। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है सर। देखो अभी अगर आपने 6 दिन का सेशन लिया है ना तो कम से कम मैं आपको ये बोलूंगा कि आपने अगर हमें 10 सीढ़ियां चढ़नी थी तो आपने कम एक सीढ़ी पे पैर रख लिया, ठीक है। अभी आपको सीढ़ियां और चढ़नी है, मतलब कि जैसे जैसे आप चीजों को सीखोगे एक्सपीरियंस गेन करोगे, सो देयर आर टू मच टू लर्न, मतलब कि बहुत चीजें इंडस्ट्री के अंदर सीखने के लिए। या यूट्यूब पे जाएंगे या फिर गूगल पे जाएंगे, आप इंडिया यहाँ पर डाल के देखिए गूगल पे कि इंश्योरेंस एजेंट कितना पैसा कमा रहे हैं। दो दो करोड़ रुपए कमा रहे हैं इंश्योरेंस एजेंट, पैसे विन। That means there are too much opportunity, हम लोगों के बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर छुपा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ एक पर्सन है इवन LIC का काम करते हैं, आप खुद जाकर सर्च कीजिएगा आप लोगों को पता लगेगा, मिस्टर भरत पारेख, नासिक के हैं महाराष्ट्र के हैं, आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। वो उनके पास 40,000 क्लाइंट है, 40,000 क्लाइंटेज है। और उनको अगर आपने किसी आप कोई पर्सन कहता है मेरे को भरत पारेख जी से प्रेजेंटेशन लेना है तो आपको 6 महीने से पहले प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं मिलेगा, उनके सारे 6 महीने के स्लॉट बुक रहते हैं। ओ गॉड, वो भी तो इंश्योरेंस ही सेल करते हैं, हम हमारे पास से ले लेते हैं। सर एक्चुअल क्या है ना, देखो मैंने बोला ब्रांड बना लिया, उन्होंने अपना नाम बना लिया। आज के डेट में जो भी हायर पर्सन होगा जो कम से कम करोड़ों में कमा रहा है या लाखों में कमा रहा है, जो इंटरनेट पे जाएगा सर्च करेगा यार मेरे को इंश्योरेंस लेना है और वहां पर भरत पारेख का नाम आएगा तो देखेगा ये टॉप एडवाइजर है, मैं इनसे लूं। क्योंकि हर पर्सन देखो अगर आपको ऑपरेशन कराना है, मैं आप अगर आपको किसी चीज का ऑपरेशन कराना है तो आप किसी ऐसे डॉक्टर से कराओगे जिसने अभी डिग्री पास करा है या कोई एक्सपर्ट से कराओगे, ऑब्वियस है एक्सपर्ट से कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज है, आपको अपना ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा, जैसे आप ब्रांड बन जाओगे उसके बाद लोग आपको पूछेंगे। राइट सर, एक्चुअली यही सिचुएशन है, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वही पूछा कि अब मैं आपको आपसे सलाह ले सकता हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। मैं जो तो सेम थिंग
तो जो भी बड़ा कंपनी होगा वही सोचेगा कि मैं उनसे ही लूं, मतलब सर देखो मेरे को ना 7-8 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, बट मैं ये मानता हूँ कि मेरे को भी 5% नॉलेज नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ मेरे को अभी तक सिर्फ 5% इंडस्ट्री की नॉलेज हुई है, इससे ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि इतना कुछ है सीखने समझने के लिए आप एक सीमित लेवल तक रुक जाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि अब मेरे को पैसा आना शुरू हो गया तो मेरे को और सीखने की जरूरत नहीं है, यहीं से कमाओ, है ना, क्योंकि इवेंट इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होता है, यहाँ पे इवन आप ये यकीन करोगे जो लोग सीए की डिग्री, एमबीए की डिग्री या फिर कोई और अच्छी डिग्री लेकर बैठे हैं, आप उनकी डिग्री इंश्योरेंस भी कर सकते हो। ओके, तो इंश्योरेंस के अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप इवन इंश्योरेंस कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा सर अपॉर्चुनिटी? नहीं, एक्चुअली क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे एक सीमित है कि हम हेल्थ और लाइफ कर सकते हैं, तो हेल्थ लाइफ एंड मोटर, हाँ हेल्थ लाइफ मोटर कर सकते हैं, इसीलिए देखो कम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम सीमित चीज पे काम करेंगे ना तभी हम काम कर पाएंगे, तो जस्ट एक स्कोप बताने की कोशिश करें, स्कोप बहुत होता है, बट हमें लिमिटेड काम में काम, लिमिटेड चीजों में काम करना है। अब एग्जांपल कपड़े की लाइन लेते हैं, कपड़े में देखेंगे हजारों तरीके का कपड़ा आता है, बट अगर जो कपड़े बेचने वाला होगा, जो लोग यहाँ पर अपनी शॉप या कोई शोरूम के अंदर कपड़ा बेच रहे हैं, वो लिमिटेड की तरीके का एक ही ब्रांड का कपड़ा बेच रहे होते हैं, वो 100 ब्रांड नहीं बेच सकते वो लोग, है ना, तो ये चीज है। आपकी दुकान पे लिमिटेड प्रोडक्ट है, इसका मतलब आप फोकस हो और उस पर आपको माल बेचना है, राइट सर, एक बार इस पे मास्टरी आ गया तो हम दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। राइट, अगर आपका एक्सपर्ट बन जाते हो, आपका एक्सपर्टीज आ जाता है, आपको लगता है कि यार अब मेरे को काफी चीजें समझ आ गई, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ, देन यू कैन डू इट, यस करेक्ट, दैट इज द टर्निंग पॉइंट, मतलब उस टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, करेक्ट, ओके, थैंक यू अब्दुल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आई विल कांटेक्ट यू लेटर, थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे सर। राजेंद्र जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए सर। हाँ नमस्कार सर, गुड इवनिंग। हाँ जी बताइए सर, गुड इवनिंग। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था, बेसिकली जो आपने इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया कि कैसे हमें प्रेजेंट करना है और लोगों से बात करनी है, मतलब अप्रोच करना है, और अप्रोच करने के बाद कुछ जो क्वेश्चंस है उनको कैसे, मतलब जो उनके निगेटिव ऑब्जेक्शन है उनको हमें कैसे डील करना है, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया जी। और तो मुझे विशेष ये जानना था सर, ये जो आपने विजिटिंग कार्ड के बारे में डिजिटल कैसे बनाना है, इसके बारे में कैसे, मतलब सर आप ना, मैं एक्चुअली क्या, देखो काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी, तो अभी हम ऑर्डिनरी कार्ड जिन्होंने बनाया, बट आपको ना मैं एक वीडियो दूंगा, यूट्यूब के ऊपर जाएगा मेरा वीडियो, और उसका लिंक भी आपको ग्रुप के अंदर भी मिल जाएगा, एक या दो दिन के अंदर मैं आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाना सिखाऊंगा, मतलब कि आप कितने सिंपल तरीके से अपना विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, और उस विजिटिंग कार्ड से लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल के थ्रू या जैसे भी आप सेंड करोगे, तो वो विजिटिंग कार्ड आपका क्लिकेबल होगा, मतलब कि जैसे ही पर्सन उसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपका नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपका मान लीजिए कोई ऑफिस है या आपका कोई लोकेशन है, आप चाहते हो कि मेरे लोकेशन के ऊपर क्लाइंट उस बटन को क्लिक करके मेरे लोकेशन पे पहुंच जाए, तो उस बटन के ऊपर क्लिक करेगा, उस लोकेशन के ऊपर क्लिक करेगा, कस्टमर आपके ऊपर आ जाएगा, आपके घर के ऊपर या आपके ऑफिस एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगा। सो ऐसा विजिटिंग कार्ड मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, जिससे कि आपको नहीं बल्कि पूरी जितने भी मेरे साथ लोग एसोसिएटेड है उन सबको समझ आ जाए, हो सकता है आपको अपने इंश्योरेंस के लिए तो समझ आ जाए, बट अपना जो पहला कोई बिजनेस था या पहला कोई आप काम कर रहे हो उसके लिए भी आपको चीजें समझ आ जाए, राइट। सो एक या दो दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको इसका वीडियो बना के आपको इसके साथ शेयर करूंगा, राइट। थैंक यू राजेंद्र जी, आपको अगर आंसर मिल गया एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। यस प्रभोज सर बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने 5 days का बहुत ही अच्छा सेशन लिया है, एंड काफी कुछ समझ में आया, एंड रिपीटेड उसके जो वीडियो वगैरह हैं, सो दैट इज गिविंग काइंड ऑफ रिपीटेड सेशंस, तो थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ सर, हालांकि मैंने मेल आपको भेज दिया सर, आई गेस कि आई बिलीव कि रिस्पांस भी आ जाएगा, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है थोड़ा सा गलत डल गया सर, 8/7 होना चाहिए था लेकिन 7/8 डल गया, उल्टा डल गया शायद नंबर,
तो एक बार वो थोड़ा सा देख लीजिएगा सर। और वो कल जो आप बता रहे थे कि इस ये पांचों दिन के सेशंस के बाद में जो है आपका आवाज ब्रेक हो गया एक बार जी सर, बताइए आपकी आवाज ब्रेक ब्रेक अभी अभी आ रहा सर। हाँ जी जी अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। हाँ जी हाँ जी आ रही है। तो सर एक तो मैंने मेल आपको कल सर थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। और सर दूसरा ये था कि कल जैसा आपसे आप बता रहे थे सर कि ये 5 डेज का ट्रेनिंग के बाद में एक दो दिन में जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो आने का वो रहेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर सर्टिफिकेशन के लिए ना आपको कल सुबह 11 बजे के आसपास मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको कोर्सिडीज हमारा एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक या दो वीडियो देखनी है। जैसे आप अपनी वीडियो कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा इमीडिएट बेसिस पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा अच्छा हाँ जी ये ठीक है सर, ठीक है ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। यस अमर जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए सर। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी हाँ जी गुड इवनिंग सर, मैं ऐसे बोल रहा था कि जो अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए जो मटेरियल मिलेगा तो उसको कुछ डेमो वगैरह मिल जाएगा सर? यस मैं आप सभी बिजनेस का प्रमोशन के लिए ना आपको वीडियोस वगैरह या लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, ठीक है, पोस्टर्स वगैरह शेयर कर दूंगा। और कल जैसे कि आप लोगों का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया तो कल से ना मैं आपको कुछ मार्केटिंग मटेरियल देना शुरू करूंगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, जिससे आपको अगर मैं कोई पोस्टर या कोई वीडियो भेज रहा हूँ तो आप उसको आगे अपने ब्रॉडकास्ट करके अपने लोगों तक शेयर कर सको, ठीक है, क्योंकि जो भी लीड्स जनरेट होंगी वो आपके पास आएंगी, वो लीड्स आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आप अपने पोर्टल पे जाके उनका पॉलिसीज वगैरह कन्वर्ट करके यहाँ पर कर सकते हो, ये चीज है जी सर। और एक सर जैसे आप जो मटेरियल भेजोगे मार्केटिंग का उसको मतलब एडिटिंग करना होगा या फिर जैसे मतलब इंश्योरेंस देखो के नाम से ही प्रमोट करना होगा? नहीं देखो या फिर खुद का ब्रांड बना के या खुद का कोई भी मतलब कोई भी फर्म का नाम बना के या फिर खुद के नाम से करेंगे? मैं आपको जो मार्केटिंग मटेरियल दूंगा ना वो एक सिंपल होगा, मतलब कि क्योंकि देखो मैं मतलब आप सभी को भेज रहा हूँ, एक ग्रुप में 200 लोग हैं मान लीजिए, तो मैं 200 लोगों को भेज रहा हूँ, तो मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड या कंपनी का लोगो लगा के नहीं भेज सकता, है ना? तो मैं आपको सिंपल भेजूंगा। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को अपना नाम डाल के उसके ऊपर अपना नंबर डाल के करना है तो आप canva.com पे जाके वहां पे अपना एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग करके उसके ऊपर आप लोगों को शेयर कर सकते हो, या आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, नीचे थैंक्स एंड रिगार्ड्स में अपना नाम और नंबर डाल दीजिए। हाँ सर यही तो बोल रहा था कि जैसे मान लो या तो खुद के नाम से करें या फिर मतलब अपना खुद का कोई भी फर्म का नाम जैसे डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग करें। हाँ आप वो आपके ऊपर है कि आपको कोई अपना एक स्पेसिफिक नाम के हिसाब से मार्केटिंग करनी है या अपने नाम डाल के अपना मोबाइल नंबर डाल के करनी है, वो आपके ऊपर है जी सर। ठीक है ना जी सर, थैंक यू सर। मैं अभी प्रेजेंट में जैसे अपने फुटकर सर का जो ऐप है वहाँ से भी मतलब ट्रेनिंग ले रहा हूँ जो अपने इंश्योरेंस वाला है ना जी, वो भी ले लिया, मतलब 2 दिन का बाकी रह गया सर उसका भी कंप्लीट होना। अच्छा और अभी जैसे यूट्यूब के ऊपर भी ले रहा हूँ और अभी जो प्रेजेंट में सेशन चल रहा है वो भी ले रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात है अमर जी, बस आपने अगर चीजों को सीख लिया ना तो इम्प्लीमेंट करना और क्योंकि लोगों से बात करना ही हमारा काम है जी सर। जैसे सर बस अभी प्रेजेंट में मार्केटिंग मटेरियल चाहिए, जैसे मान लो कुछ डेमो वगैरह मिल जाए तो फिर उससे मतलब उसके अकॉर्डिंग करना, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी। यस रोशन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइए। सर मुझे ये सजेशन चाहिए था आपसे कि मतलब हम जैसे मेरे केस में क्या है कि जीसीबी वाला केस बढ़िया है मेरे लिए, हम इसी लाइन में है। ओके तो मतलब कि ये जो भी कस्टमर टारगेट करने हैं हमें तो ये एक एक फील्ड करके करें कि ऐसे कि हाँ सब मैं कर दूं? देखिए अगर आप जीसीबी वाली फील्ड में ना रोशन जी एक बार ना मैं आपको एडवाइस करूंगा, आप कल सुबह ना एक बार अभिषेक से बात कर लेना या मेरे से बात कर लेना तो मैं आपका प्रॉपर गाइड कर दूंगा, क्योंकि जीसीबी के अंदर हमारे पास ऑनलाइन पोर्टल पे कुछ कोटेशंस आती हैं कुछ नहीं आती, ठीक है। सो आप मोड में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन में जाने के लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए एक्सपर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज की जरूरत होगी। तो अगर आप स्पेसिफिकली जीसीबी में करना चाहते हो तो एक बार अभी या मेरे से एक बार सुबह बात कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा।
क्योंकि सर क्या है कि हमारे खुद के 16 ट्रक है, उसके अलावा कि जो भी हमारे जो भी जानकार है ना इस फील्ड में, क्योंकि इनमें ट्रकों में सब एक दूसरे के जानकार होते हैं, हाँ जी हाँ जी, तो इसमें इजीली लीड बन जाएगी। और मतलब सब लगभग पैसे वाले होते हैं, इनको वो नहीं पता होता कि किससे, ये तो जिससे करवा रहे होते हैं इंश्योरेंस उससे ही करवाते बस, हाँ जी वो तो मतलब इजीली वो मेरे पे ट्रस्ट कर लेंगे, मतलब इसमें लीड भी जल्दी बढ़ जाएगी मेरे और काम भी अच्छा चल जाएगा। नहीं ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि रेफरेंस का काम ना जल्दी ही हो जाता है, अगर आप एक दूसरे का रिलेशन बना हुआ है, भाईचारा बना हुआ है, तो उससे दिया जाता है। तो इसमें ये था कि पहले मैं मतलब इसी को एक को टारगेट रखूं ना, कि ये ऐसा करूं कि हेल्थ में भी चला जाऊं, या फिर पहले इसमें मोटर वाले में ना आप थोड़ा सा देखिए फोकस, तो आप मैं कह रहा हूँ आप फोकस रखिए दोनों में, क्योंकि क्या है कि मोटर का तो ऑटोमेटिक बिजनेस आता रहेगा, बट हेल्थ का बिजनेस करने से आपके पास ना रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी, क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में आज कल को कहीं करा लिया या तीसरी बार ट्रक बेच दिया, कुछ और हो गया, तो मोटर इंश्योरेंस में इस तरीके के चैलेंजेस आएंगे। बट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, मान लीजिए आज जून में आपने किसी का बिजनेस कर दिया, किसी की पॉलिसी कर दी, तो अगले जून में उसको अपने आप पॉलिसी का रिन्यू करेगा, आपको बैठे बैठे कमीशन आ जाएगा, तो उसमें आपको ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती रिन्यूअल के टाइम पे। हेल्थ इंश्योरेंस में क्लाइंट अपने आप ही जाके बोलता है कि भाई मेरी पॉलिसी रिन्यू कराओ, क्योंकि क्लाइंट एक बार स्टार्टिंग में पॉलिसी लेने के टाइम पे वो 10 चीजें पूछता है, बट बाद में उसको प्रॉब्लम नहीं आती इन तरीके की। ये चीज हमारे क्या गांव में ये थोड़ा हेल्थ वाला मामला थोड़ा उल्टा ही है, यहाँ पे लोग मतलब जान को कम कीमत देते हैं, सामान को ज्यादा देते हैं, मतलब इंडिया में ही है मोस्टली अपन देखे तो, ये कि मतलब गाड़ी सेफ नहीं चाहिए, सस्ती गाड़ी होगी चलेगी, जो सेफ्टी नहीं है, फाइव स्टार नहीं है, कोई बात नहीं, अनकैप क्या भाड़ में, ये सस्ती पड़ रही है, इसमें फीचर्स ज्यादा, बस बस वही वाली बात है, सही बात है। तो यहाँ पे बस ये सोचना ये है ना कि मरना एक दिन तो वैसे ठीक बात जो, और ये गाँवों में ज्यादा है, तो मतलब इसमें थोड़ा स्कोप कम है मेरे साइड, मतलब सबके ये अपने अपने पर्सनल होते हैं। ठीक है, देखो ऐसा है ना, आपके पास जो चीज का स्कोप है आप वो कीजिए, मतलब मैंने तो आपको अपना ओपिनियन बता दिया, बाकी आपको जो बेस्ट लगता है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और इसमें सर जैसे कि मैंने सोचा कि एक तो हो गया शोरूम, एक गैरेज, मतलब जहाँ पे आपको एडवर्टाइज करना है, अपना बताना है, हाँ जी, और स्पेयर पार्ट्स मोटर में, पेट्रोल पंप के पास जा सकते हो, वहाँ पे टाई अप कर सकते हो, है ना, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हो, कोई मान लीजिए कोई स्पेशल खाली प्लॉट्स पड़े रहते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा बैनर, बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह लगे, वहाँ पर अपनी ब्रांडिंग करा सकते हो, तो करने बहुत कुछ है, बट आपका नजरिया होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि नहीं मोटर में लगभग मतलब मोस्टली यही होता है। अभी मेरा ना हमारा मतलब कुछ टाई अप हुआ है महिंद्रा से, तो एक बार मेरे को वहां से एक बार ग्रीन सिग्नल मिल जाए, तो शायद हम उसमें महिंद्रा में हम अपना क्लेम सेटलमेंट के लिए, मतलब क्लेम के लिए हम वहां पर डायरेक्टली कस्टमर की रिक्वेस्ट को एक हायर प्रायोरिटी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार अगर होगा तो डिस्कस करूंगा, तो आपको उसका भी कुछ अपडेट देने की कोशिश करूंगा जैसे आपको मेरे को कंफर्मेशन आता है कंपनी की तरफ। ओके सर, ठीक है ना, ये चीज। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू रोशन जी, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए, आप सभी के इतने फीडबैक्स के लिए। सो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे तो एक बार जरूर जाइएगा यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे जाकर अपने कमेंट्स दीजिएगा, एंड फाइनली फ्रेंड्स आपका जो सेशन है आज कंप्लीट हो जाता है, और अगर आप दोबारा से सेशन लेना चाहते हो, कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं आपका अगर रह गया, सो हम अगेन 11 तारीख से दोबारा से सेशन स्टार्ट करेंगे, अगर आप दोबारा से कोई सेशन लेना चाहते हो तो आप 11 तारीख से दोबारा सेशन स्टार्ट कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको दोबारा सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, एक ही सर्टिफिकेशन एक ही बार मिलेगा, बट आप ये सेशन दोबारा ले सकते हो अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी होती है आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इवन मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले यूट्यूब सेशंस के अंदर, मतलब कि आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ यूट्यूब वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आपकी नॉलेज गेन होती रहे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड आप यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोज आती हैं सो टाइम निकाल के डेली का 10 से 15 मिनट का टाइम निकालिए और उन वीडियोस को देख के अपनी नॉलेज को डेली बेसिस पे अपग्रेड कीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच,
और अब आपको अपनी नॉलेज को गेन कराना है। और लास्ट में मैं बोलूंगा, आप लोगों को मैंने टास्क के लिए बोला था 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और अगले 10 से 12 दिनों के अंदर वो लिस्ट पे काम करना है, लोगों को समझाना है। सो फ्रेंड्स, इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अपनी नॉलेज को एक्सपीरियंस को गेन कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। एंड फाइनली थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए। एंड अब हम मिलेंगे यूट्यूब के वीडियोज के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू। एंड फाइनली बी सेफ, बी इंश्योर्ड। थैंक यू सो मच।